सिनेमा एक ऐसी चीज जो सदियों से हमारी जिंदगी में तफरी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। ये सिनेमा की दीवानगी सदियों से चलती आ रही है। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हमारे घर हुआ करता था, फिर आया कलर टीवी और नए दौर का सिनेमा। कभी सिनेमा घरों में ठहरने के लिए जगह नहीं होती थी, तो कभी सिर्फ सन्नाटा। बदलते वक्त के साथ ये सिनेमा भी बदलता गया और इसको देखने वाले भी। वो बदल गया। कोई फिल्म देखता है, कोई फिल्म पूछता है, तो कोई फिल्म बनाता है। What a joke! रेडी 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 स्माइल स्माइल स्माइल। ये लो मैडम। कितने हुए भैया इसके? 500 रुपए। हाँ 500 रुपए, 200 रुपए बराबर है इसके। ये कलर फोटो है मैडम, इसके इतने छोटे। मैं अच्छा बोली तुम्हारे, मोबाइल से ले लो, नहीं सुने। अरे जान दो बेगम, कहीं को बहस। हेलो, अच्छा उतार रहे तुम लोगों की यहाँ बैठ के कलर फोटो। हाँ मैडम, जिंदगी तस्वीर भी है, तकदीर भी। फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। चलिए शुक्रिया। चलो जी यहाँ से चलो। Another chemical is caffeine. It is also found in most of your cool drinks. Who told you to bring mobile in the classroom? Huh? मेरा नहीं है टीचर, जीशान का है वो। मेरा भी नहीं टीचर, हमारे डैडी का है वो। 2 साल से फर्स्ट ईयर में फेल हो रहे। अच्छे बच्चे को बाजुक में बिठाए, कुछ सीखेंगे बोले तो उसको भी खराब कर दे रहे। थोड़ा शर्म है। कौन सी रिंग बेच के खा लिए? What are you murmuring? Huh? Fact. Give me the chalk. What is atom? 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 Atom नहीं मालूम टीचर, item मालूम मेरे को। अब्बा। Get out of my class. Go and kneel on outside the class. प्रिया में कौन सी चरित्र लेती? मॉर्निंग शो में टाइगर जिंदा है, मैट नहीं चले वो गैलेक्सी 4 शो है। तेरे जैसा तो पूरी दुनिया में नहीं दिखता रे। ये देख। दबा के दिख रही है पब्लिक। चले चक्कर में फिल्म छूट जाती है। चल चलो भाई, बालकनी 300 रुपए। पैसे कितने? चलो बालकनी। चलो भाई कितने होना भाई? बालकनी 20 रुपए का मत दे। नहीं आता भाई, नहीं आता। अरे ना डेली के कस्टमर है, 20 रुपए को ऐसा कर रहे हो यार तुम लोग? सही भी। चलो भाई बालकनी। लेकिन लास्ट की फाइट तो आखिरी किराक थी। अरे सब कुछ छोड़ रहे, परेश रावल का रोल बेभरा दिखा मामा मेरे को। कैटरीना का गाना लास्ट में नहीं देना था रे। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। टा 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 टा। कैसे करेंगे बेटे स्वागत? स्वैग। अरे इधर आ। ये टाइम छुट्टा नहीं, कॉलेज स्पेशल क्लास थी जी बाबा। स्पेशल क्लास बैठ का है कॉलेज में। बात कुछ अरे कोजी बाबा डर पहले आई है। बाजीगर सोच ले, जो बोले वो करना पड़ता था। नहीं नहीं डर पहले आई। का भाई भैया फिल्म तू पैदा भी नहीं हुआ था। बोल भाई जल्दी बोल। डर पहले आई। आ जाओ पिंडा हर गए, गूगल कर लो। हाँ कर। करना क्या है? नसरीन को लव लेटर लिखना है। पिंडा फोड़ाते यार तुम आज। जरूरी है ये ले रे। नसरीन को ये लेटर दे के आ जा। मैंने देता जी भाई, तुम इस दी हो जाओ। नहीं देता। काम कर देते तेरा। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। जा। नसरीन। क्या है ये? लेटर। तुम लिखे? उन्हों लिखे, मेरे को दियो बोले। जाओ। मैम। यस। शहबाज जीशान। अगेन मैम। स्माइल साहब, ये लास्ट वार्निंग थी। आपके बेटे और उसके दोस्त शहबाज को। शहबाज तुम्हारे घर से कोई नहीं आए? सब बिजी है सर, मैं कुछ संभाल लो बोले। प्लीज आप कुछ नहीं हो सकता। दे बोथ आर स्पॉइलिंग माय कॉलेज नेम। मुझे मजबूरन इन दोनों को मेरे कॉलेज से निकालना पड़ रहा है। आपको जो करना है करिए सर। इवन आई एम हेल्पलेस। मैं भी फार्मेसी पढ़ा हूँ,
मगर मुझे मेरे वालिद की टेलरिंग लाइन में ही काम करना पड़ा। सोचा था इसको डॉक्टर बनाऊंगा, मगर इन्हें भी टेलर बने सर कहीं दिख रहा। मेरे को तो वो भी डाउट है, इन्हें टेलर भी नहीं बन सकता। पिछले 2 साल से दोनों को देख रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से 1 महीने में 10 दिन क्लास को आए तो बहुत है। कभी इनकी जेब में से सिनेमा के टिकट निकलते और कभी इनकी किताब चेक करे तो ये निकलता। शायद इन लोगों की किस्मत में डॉक्टर बनना नहीं एक्टर बनना लिखा है। ऑल द बेस्ट। यार खाली लेटर दे तो कॉलेज से निकाल दिया प्रिंसिपल अपने को, वो चिटनीस को भी निकाल देना था। उन्हें कॉलेज का टापर है समझ रहा ना, उसको कैसा निकालते रहे। अब यार अंदर चलिए। क्या हुआ जी? क्या हुआ? आज तुम बीच में नहीं आएंगे, देख रही मोहब्बत नामा अपने बेटे का। नसरीन मैं तुम्हारे बिना मर जाता हूँ। अरे पैदा हम करना और मरीना इन्हें नसरीन के वास्ते। अरे सुन रे, कल से तू मेरे साथ दुकान पे चलेगा और वो तेरा शक्ति कपूर की सूरत का दोस्त है ना, आइंदा तेरे साथ अगर दिखा ना तो देख तेरा क्या हाल करता हूँ। चलो जी खाना निकालो। क्या है ना? हेलो अट्टी कैसा है? अरे इसको बोलते खिलौना इलेक्ट्रिकल कप। अरे इसको ऐसे चालू करने का और इसको लेके आपका टेंशन अगर कुछ भी होएगा ना तो दूर हो जाएगा। अगर कभी बत्ती कितनी गैला होगा ना तो इसका लाइट से पूरा घर चमचमाने लगेगा, एकदम इफेक्ट करता है। मांगता है क्या? हमारा नाम है शहबाज खान और हम ये खिलौने बेचते हैं। ये जो खिलौना है ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, ये महान खिलौना है। ये खिलौना जिस किसी की जिंदगी में जाता है उसकी जिंदगी से दुख उदासी मनहूसियत तकलीफें सब दूर कर देता है और उसकी जिंदगी में हर रोज नई खुशहाली लाता है। आप लीजिए। हेलो, आजकल मैं सेल्समैन का काम कर रहा हूँ और ये खिलौने बेच रहा हूँ। इसका नाम है इलेक्ट्रिकल कप। ये कमाल का खिलौना है, आपकी तन्हाई दूर करने काम आएगा। लीजिए और एक बार ट्राई करके देखिए, जिंदगी हो तो सेल्समैन जैसी। अरे आइए आइए आइए। अरे तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ। हाँ कौसा गाना है वो? स्वागत से करेंगे इनका स्वागत। ये रही आज से आपकी जगह। वहाँ क्या करूँ जी बाबा, नीचे मशीन पे बैठा तो ना सीधा। क्या बोला? मशीन पे बैठ जाता हूँ सीधा। अरे 2 महीने तक तो तेरे हाथ में सुई नहीं दे सकते हमारे रहीम। माचिस के 2 काड़ियां तो दियो। ले भाई ये लो, ये सीखो 1 हफ्ते तक। ये काड़ी से क्या सीखू जी बाबा? अरे तुरपाई रे तुरपाई, ये हाथ है ऐसा जाना कान के बाजू से, ऐसा नहीं, ऐसा गया तो लोगों की चुत्तड़ में सुई चुप जाती, समझा? वालेकुम सलाम। आप कहीं को तकलीफ करे? किसके भी हाथ से भिजवा देना था बाप के कपड़े। ओ नहीं जी, थोड़ा साइज बढ़ गया बल्कि मैं खुद ही चाह रही। वाकई साइज तो बढ़ गया, कितना रखूं? थोड़ा टाइट ही रखो। थोड़ा लूज रखता हूँ, उठने बैठने झुकने आराम रहता। ठीक है, कौन है बच्चा? इनो नए कारीगर है, काम सीखने के वास्ते आए। आप बैठिए, मैं आपका बिल बना देता हूँ। क्या हुआ रे, कितने कपड़े से आज? एक भी नहीं से आ रहे भाई, जाते हाथ में काड़ी दे दिए तुरपो इसी को बोल के। तू कितने खिलौने बेचा? खिलौना तो नहीं बेचा बाप, लेकिन एक बेहतरीन खिलौना हाथ को लगा दे। ऐसा इमरान हाशमी के स्टाइल में खिलौने बेच रहा हूँ। खिलौना तो पसंद नहीं आया लेकिन अपन पसंद आ गए, सिर्फ बोल के अंदर खींच ली। फिर क्या हुआ? वो नक्को पूछ बाप, कभी कभी मैं सोचता हूँ रे, अपन लोग एक्टर आ रहते थे तो कैसा रहता था। हाँ बाप, आजकल के एक्टरों से अच्छी एक्टिंग तो अपन कर लेते रे भाई। देखो याद है ना स्कूल का एनुअल डे, तू बेहतरीन मिमिक्री करता था। देख वो कैसा भूल सकते रे? और मैं लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, ये देख लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। सॉरी अंकल। हां मेरे को मालूम है रे, मैं तेरे को नहीं पकड़ सकता, मगर तू सोच अगर तू किसी दिन मेरे हाथ को लगा ना तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा। कई कुत्ता गुस्सा है तुम्हारे को मेरे ऊपर अंकल? हेलो मार लो, हेलो हेलो मारो 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 मारो। चलो रे, कहाँ जा रहा? दुकान को जा रहा रे भाई। टेलर बनता? नहीं। फिर कहीं को जा रहा? फिल्मा देख एक्टर बनता।
वहां फोड़ दे तेरे भाई दुकान को नहीं गया तो। दो चायसान दे रहा हूं तेरे को, ये रास्ता दुकान को जाता, वो रास्ता टैकिस को जाता, तेरी मर्जी। ऐसा साउंड खोल रहा गैलेक्सी वाला, बोरान हो जाता तू सुना तो। इन्हें चने ते को लेटर दिया सो? हाँ। अच्छा ही चना रे। तो क्या मेरे को साइकिल पे डेट मारो बोल रही इसके साथ? हाँ। क्या बोली सुना? एक दिन इसको जहाँ बिठाना है, वहीं बिठाऊंगा। थर्ड दरा ऐसे खुजेंगे। आ भाई, कब से अपन ये लाइन में? बचपन से अपन थिएटर लाइन में। अरे भाई, अपने को भी एक फिल्म बनाना है, उसका बजट कितना बताऊंगा? बड़े बड़े खाबा नको देखो, खामुद पिक्चर देखो। चल रे भाई। पिक्चर तो हम दिखाएंगे बेटा तेरे को, चल अब। चल रे भाई, देखो ले चलिए ससुर को। क्या हो रहा रे, क्या करा क्यों लोग? क्या एड़े चाले करती औरत, पानी भी बराबर भरी नहीं टांकी में, इसका क्या बोलूंगी। सफिया, वो औरत सुन रही क्या? सफिया, अरे कहां मर गई औरत, बाहर आ। क्या हुआ जी, कई कुछ चिल्ला रहे थे इतनी सुबह सुबह? अरे वो टांकी में पानी बरोबर से चढ़ाने का था ना, सूरत को पानी कम पड़ गया ना मेरे को। ओ, गर्मिया चालू हो गए, आधा से ज्यादा पानी तो तुम ही चुवा पर लेते, टैंकर मंगाओ कल से। हाँ तो जा जा, चा बना, जा जा। चलिए प्रवेश करिए। ओ हो 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 हो, कहाँ मिले साहूकार? हाँ मल्टीप्लेक्स में बीवी के साथ फिल्म देख रहा था भाई। महंगाई के इस दौर में। ए सफिया, टीवी का आवाज कम कर। क्या काम कर रहा रे आजकल? कुछ भी नहीं आसिफ भाई, मैं अगर यहाँ पे काम करता तो कब के चाप का खर्चा लाके देता था भाई। बड़ा समझ रहा क्या मेरे को, क्या करने का अब इसका? मोहित वाके गंगू भेजेंगे भजन ऐसा। ये बात करेक्ट बोल रहा है, वैसा भी हमारे गांव में पिताजी का हाथ बटाने वाला कोई नहीं है। क्या करेगा उधर जाके? गोबर उठाएगा, भैंसन को निलाएगा और वहाँ से भाग भी नहीं पाएगा। वो कैसे रे? अरे हमारे पिताजी ऐसा ही ना छोड़ेंगे, भैंसन के साथ बांध के रखेंगे इसको और वहीं पे होगा इसका खाना पीना और नहाना। हाँ ये बरोबर है, ये बात सही है भाईजान। अच्छा कर रहा, ले गया तेरे गांव को, काम आएगा उधर। हेलो जी, ला बला जरा चाय तो पकड़ो। तुम पहचानती क्या इसको? तू मेलिया कुट होता रे, तू तुझा आई चा घावा छोड़ना मैं आदमी तुला ये खड़े हो आज तक तो भाभी अम्माना को मारे भाभी दे तो भाभी अम्माना को भाभी ना मेरा मरद कर्जा उसूलते धूपे फिरते फिरते काला हो गया और तुम लोग आयाशा कर रहे हैं। रोके का बहुत बेरहमी से मार खा रहा है। कामू जोड़ ने तो तू भी मारा खाएगा। अरे अरे सफिया मार मत, उसको मर जाएगा वो। भाई जरा बोलो भाई, मजे तो भाई प्रेशर है, अब भी आता मैं। सीलेस ब्लस बनाना। हाँ बैक नेक थोड़ा डीप रखना। कहाँ से आ रहा रे? मैं बोलता हूँ आज जुम्मा है, नमाज को तो गए नहीं होंगे, थिएटर में हुई होंगी तुम्हारी इबादत। आप ठहरिए मैं जरा कपड़ों से लेके आता हूँ। महेश बाबू की कैसी है? जबरदस्त। कौन सी फिल्म देखे बेटे? महेश बाबू की। सॉन्ग वन शॉट वन टेक वन कैमरा एक्शन। मेरा फेस परेशान जब से हो गई तू माइंड, चढ़ा तेरा नशा ऐसा जैसे पी ली मैंने वाइन। मेरा फेस परेशान जब से हो गई तू माइंड, चढ़ा तेरा नशा ऐसा जैसे पी ली मैंने वाइन। भागी कहीं निकल के दिल से मेरे तन्हाई, अब तो ये सारा आलम लगने लगा है फाइन। फैंटास्टिक, शाबाश, गुड सर। सर सर बड़ी बात से तोबा है, गोविंदा के बाद अगर कोई है तो वो तू है। सर मगर मेरी ये फिल्म सुपर डुपर हिट तो हो जाएंगी ना, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से घर बेच के कर्जा लेके फिल्म पे लगाया है। तू फिकर नको कर,
अगर ये फिल्म सुपरहिट हुई तो बड़ी बात से तोबा है, तू रातों रात सुपरस्टार बन जाएगा। अगर नहीं चली तो भी फिक्र ना कर, मेरे पास स्पॉट बॉय का काम करके रोज 500 रुपए कमा के तू अपना खर्चा फेड़ेगा। ये खुद्दूस ट्यूब वाला की जुबान है। सर एक बात बताइए, आपका नाम खुद्दूस ट्यूब वाला क्यों है? अरे हर कोई ये सवाल करता क्या रे? अरे जब साजिद नाडियाड वाला हो सकता, फेरोज झुनझुन वाला हो सकता, तो खुद्दूस ट्यूब वाला कहीं कुने हो सकता। हा? हा, हा, हा। जाओ शॉट की तैयारी करो जाओ। अब इसको क्या मालूम मेरी हिस्ट्री। खुद्दूस भाई पंचर बनता नहीं बनता? है रो, बना रो, सबर नहीं है क्या? इंसान हूँ मशीन नहीं। नेक्स्ट शॉट रेडी। खाली एक बार कोई फिल्म में पत्ता लग जाने दे बाप, उसके बाद में नक्को पूछ। आखिर कब लगेंगे रे वो पत्ता? तू टेंशन नक्को ले रे, एक दिन आएगा जब अपनी फिल्म वो टाकिस में लगेंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। जान दे जान दे, दाल रस खा के कितों को उठा के पटकेगा तू। चल लौटपने में ले रहे हमारे बातों को तुम। 5 लाख मंजे साहेब, 5-6 टपरे मध्ये लावले पण 5 लाख रुपये लागत। मी तुम्हाला उद्या साइट वर भेटतो। हो हो साहेब, येतो मी। क्या देख रहे रे? कुछ भी नहीं भाई जान, अमरेशपुरी का क्लिप देख रहे। याद रख तू, अमरेशपुरी के जैसा विलन ना था, ना आया और ना आएगा। क्या बात कर ले, बैठे तो है आप, फिलम्बा में काहे ने ट्राई करते हो? क्या बोला तू? मेरे सामने फिल्मों की बात किया ना दोबारा तो याद रख, और तुम फिल्मों में काम करते बोले, फिल्मों में पैसे लगाना है बोले ना, तो याद रखो ना गिंदास नचाऊंगी तुम्हारे को। मेरा फेस करे शाइन जब से हो गई तू माइन, चढ़ा तेरा नशा ऐसा जैसे पी ली मैंने वाइन में। नमस्ते पूर्ण चंद्र राव साहब, कैसा है जी मॉर्निंग शो का रिस्पांस? कौन बोल रहा है जी? अरे तुम्हारे पास जो फिल्म रिलीज हुई आज उसका डायरेक्टर बोल रहा हूँ जी मैं, खुद्दूस ट्यूब वाला। थोड़ा शर्म है जी तुम्हारे को? भाई को बोला है डब्बा पिक्चर, फिल्म इंडस्ट्री का नाम बदनाम कर रहे हैं। तुम्हारा लास्ट पिक्चर है ये, आइंदा थिएटर में तुम्हारा कोई फिल्म नहीं लगाते अब। अरे क्या जी खुद्दूस भाई, बर्बाद हो गया मैं, एक भी आदमी नहीं है मॉर्निंग शो में, पिक्चर फ्लॉप हो गई मेरी। रिलैक्स ब्रदर रिलैक्स, बैठो तो सही। ऐसा है अभी लोगा कंफ्यूज्ड है, खुद्दूस ट्यूब वाला एक नए चेहरे को पेश करा, उसको लोगा देखना या नहीं देखना बोल के सोच रही। थोड़ा सबर कर, मैटनी से पिकअप पकड़ लेती। अरे मैटनी तक रहेंगी तो पिकअप पकड़ेगी ना, वहाँ मॉर्निंग शो से निकाल दिया उन्हें डब्बा पिक्चर है बोल के। अरे क्या हुआ, तुम लोगों की सांस कहीं को फूल रही? तुम्हारा चाहने वाला अपनी पिक्चर की तारीफ कर रहा, जरा यूट्यूब खोल करके देखो। देखा बोल रहा मैं तेरे को, ठहर सबर कर, गुड न्यूज आती बोले तो नहीं सुन रहा है? Hi, 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 hi. Hi, this is Mohammad Naeem, Film Critics. आज मैं रिव्यू करूंगा कसम पैदा करके छोड़ने वाले की फिल्म की। इसके हीरो और प्रोड्यूसर है साहिल खान और इसके डायरेक्टर है खुद्दूस ट्यूब वाला। मुझे तो इनका नाम एकदम घटिया लगता है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि इनका नाम क्यों ट्यूब वाला है। क्या ये पहले पंचर वाले थे या ट्यूब बेचने वाले? तो आप बात करते हैं फिल्म की, ये एक बिलो एवरेज फिल्म, मैं तो कहता हूँ उससे भी लो है। इसकी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायरेक्शन इतना घटिया है और इसको खुद्दूस ट्यूब वाले ने नहायत ही घटिया तरीके से पेश किया। फिल्म मॉर्निंग शो में ही थिएटर से बाहर आ गई है। इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आप देख सके। हीरो कब डायलॉग बोलता है, कब गुंगा हो जाता है, कब नाचता है, ये सिर्फ डायरेक्टर को ही पता है। अब रही बात फिल्म के रेटिंग की, इस फिल्म को बड़ी मुश्किल से मैं दे सकता हूँ 1 स्टार। अब मोहम्मद नईम फिल्म क्रेडिट्स को दीजिए इजाजत और देखते रहिए मेरा। खुन्नस निकाल रहा रे ने, 30 साल इंडस्ट्री में रह के कुछ नहीं उखाड़ लिया तो अब ये नई दुकान खोल लिया। विराट आगे जैसे दिख रहा है। सार, सार, सार। अरे अब तू क्या बुरी खबर लाया रे भाई? कुछ खबर लाया सर, आग लग रहा रेडी है सर। ऐसा सुन, तेरे को 30 लाख का खर्चा है, आज से तू मेरा स्पॉट बॉय, समझ गया ना? समझ बात, तू बाहर जा, बाहर जा, तू जल्दी गिरा, बैठो 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 बैठो, जल्दी बैठो रे। भाई क्या बोल रहा था बोले तो? सर सर
खुद्दूस ट्यूब वाले का ऑफिस यही है। कार थोड़ा बिजी है, वेट करना पड़ता। लियाकत वो चीज है जो अपनी माँ के पेट में भी 9 महीने से ज्यादा वेट नहीं किया। तेरे वास्ते 9 सेकंड वेट कर लेता हूँ। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हट। आ? मेरे फिल्म के हीरो की एंट्री ऐसा कैमरा लेके ऐसा ला। यस, आपकी तारीफ। फिल्म बनाना है अपने को, बनाओ फिल्म, कौन रोक रहा आपको। मगर आप देख रहे फिल्म वक्त में यहाँ पे सीन समझा रहा हूँ, बिजी हूँ। 10 मिनट बाहर बैठिए आप। दिलावर, 10 सेकंड में एग्रीमेंट होता, हम बैठे किसके वास्ते, ये सब देखने के वास्ते। बोलो, चाय पीते या ठंडा। वो सब छोड़ो जी, काम की बात करने आया। बोलिए। फिल्म की स्टोरी अपन लिखे, प्रोड्यूसर भी अपन है, हीरो भी अपन है, हीरोइन मोटू के बगल में बैठी हुई है और डायरेक्टर मेरे सामने है। आगे का काम तुम्हारा है। अब ये फिल्म भी आप अकेले देख लेते क्या? मजाक करा। वैसे आपकी पर्सनालिटी को देखते हुए मैं फिल्म का टाइटल रखना सोच रहा हूँ, टार्जन रिटर्न्स। कैसा रहेगा? अच्छा है, सही जा रहा तू। और एक बात, जैसा तेलुगु पिक्चरों में मेगा स्टार पावर स्टार रहता ना, वैसा अपने को भी एक स्टार होना। हो गया समझो, मैं तुम्हारे को जबरदस्त स्टार बना देता हूँ, बॉइलिंग स्टार। कैसा है? जबरदस्त। वैसे फिल्म का बजट क्या सोचे आप? 1 करोड़। एक्शन, साउंड टू, टेक वन। सबको बांट रही हो, सबको बांट रही हो, मुझको डांट रही हो, सबको बांट रही हो, मुझको डांट रही हो, क्या मैंने किया है, क्यों मुझसे खफा हो। ओ बेबी शेक इट बेबी, ट्राई टू मेक इट बेबी। पकड़े, क्या नाच रहे यारो, कौन सिखाया तुम्हारे को? क्या नाच रहा है, कौन सिखाया तुम्हारे को, क्या स्टाइल है तुम्हारा? अपने को कोई सिखाया विकाया नहीं, अपन जो भी करते वो स्टाइल बन जाता। लियाकत कुरैशी बोलते मेरे को, समझे? वहां बैठ रहा हूँ, ठंडा भिजाओ जरा बच्चे से। अरे ये बेबी हटाओ यहाँ से। हाँ, बेबी, बेबी को हटाए तो मैं किसके साथ नाचूंगा? अरे बाबा, बेबी बोले तो ये छोटी लाइट को बोलते। अब जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। चलो भाई, ये कटमिर्ची ज्यादा और कर दे रहा, कब तक हंसते इसकी रील? 1 करोड़ रुपए लगाया हुआ है रे ने फिल्म के ऊपर, तो इसको कभी के चोड़ के तार के सुखने डाल देता था साले को। खैर तू जा, दूसरा शॉट लगा। ठीक है। उदन चोपड़ा, अब सैलाब आएगा, 15 साल के बाद भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अरे परिंदे को परिंदा पीपर नहीं मारता है। सर प्लीज, एक चांस दे दो मुझे, एक चांस दे दो सर। देख बेटा, मैं खोटे सिक्कों को शॉट नहीं देता, बाजरा लेके आया तो बोल तेरा शॉट निकलता, समझा? अब जा, मेरे को तंग न कर, जा यहां से। अरे मेरी बूढ़ी माँ भूखी मर रही है, अरे मेरा लंगड़ा बाप दारू के लिए तड़प रहा है, अरे मेरी विधवा बहन पीछे शादी में नाचने के लिए तड़प रही है। अरे घुबरो, कहाँ है रे? अरे ले इसको। अरे सुनिए ना, अरे सर सुनिए ना। आओ, मैं सुनता हूँ बेटे। सर मेरी बात सुनिए ना, ये कब तक शाहरुख रुका करते, मार्केट में कुछ नया लेके आओ, नहीं ला सकते तो बाजरा लेके आओ, चलो तैयारी करो। मैं फिर आऊंगा अपना इंतकाम लेने के लिए। क्यों, कैसा करा डांस? अगले पिक्चर में डायरेक्टर को चेंज करना बोल रहा हूँ और तुमको रिपीट करना सोच रहा हूँ। क्या बात है सर। क्या हुआ, अगला शॉट लगाते नहीं लगाते, कब लगाते? हमारे लियाकत साहब, वही तो बात करने आया मैं। दरअसल अगले शॉट के वास्ते मैं एक 40 फीट का क्रेन मंगाना चाह रहा हूँ और वो क्रेन पे हीरोइन को बिठाना चाह रहा हूँ। हीरोइन ऐसा क्रेन पे से आके चील के जैसा आपको उड़ा के लेके चले जाएंगे। ऐसा कैसा ले आती? ग्राफिक, कंप्यूटर ग्राफिक। अरे आप 70mm स्क्रीन पे देखो कैसा दिखेगा शॉट, मगर उसके वास्ते 5 लाख एक्स्ट्रा हो रही। पैसों की फिक्र ना को करो जी तुम, स्क्रीन पे खाली मैच दिखना। अरे आपके सिवा दूसरों को बता के क्या मेरे को फिल्म हिट करना है? मेरा मतलब फिल्म फ्लॉप करना है? चिन्ना आई दू। क्रेन मंगाओ जी। वो रात में जरा टाइम देना था क्या? अरे डिनर करेंगे भाई। हाँ सर, ये 5 लाख ले जा। हाँ सर, सीधा मेरे अकाउंट में डाल दे। हाँ ओके। और अंजी को कॉल करके वो 1500 वाली क्रेन मंगा ले। अच्छा सर। और सुन, वो ग्रीन मैट का कपड़ा रहता दिखा रहा, एक 25 मीटर मंगा ले, 30 रुपए वाला। हाँ ओके, आज अपन इसको हवा में उड़ाएंगे। मेरा 5% सर, मेरा अकाउंट नेम इज PSP प्रसाद सर। तुम्हारे बाबा की शादी है, 2% ले जा। क्या हो रहा जी मीटिंग का? वो कुछ नहीं, लोकेशन शिफ्ट। ले टिफिन, रोज याद दिलाना क्या? और सुन, 200 के साथ पिक्चर उक्चर रखो जा, बाबा तुम्हारे आउंट ले रहे, समझा ना? तो मालूम है, जाओ।
पास बेटे, आज बाबा की पीठ के पीछे से निकल रही, कल बाबा की पीठ में छुरा घोपो छुरा। फिल्म को जा रही शायद? नहीं, फिल्म की शूटिंग देखने जा रहे। तू जिस दिन मरेगा ना हरामजादे, उस दिन सारे महल्ले में फातिहा देके मिठाई बांटूंगा, मिठाई। क्या आवाज है चिच्चा, मैं कैसे मरूंगा, मरे मेरे दुश्मन। अरे आधे से ज्यादा इसको खराब करने में तेरा हाथ है, तेरा। ऑटो नको जी बाबा, खाली फिल्म की शूटिंग चली देख के आ दो ना जी। आज तू ये रोजी रोटी को ठुकरा के जा रहा, तेरे वास्ते ये दुकान हमेशा के लिए बंद। मैं तेरे को आख कर दो, आख। सर अगर शॉट कौन सा ले रहे सर? एक काम करो, हीरोइन के हाथ में दो मौज दे दो। हीरो दूर से ऐसा हवा भरते हुए आके इसके पास से मौज लेके चले जाए। हाउ इज दिस सुपर सर, आपको इतनी अच्छी आइडियाज कहां से आते हैं? दिमाग से आते हैं। चलिए शॉट रेडी है, जाओ जाओ तुम जाओ। आ शिवा, मौज क्लोज पे टू, बनाना बनाना क्लोज पे टू। ओके ले ले उद्दू सर, टॉप एंगल पर सर। मेरे को ऐसा दिख रहा अगली फिल्म में तेरे कट करना पड़ता। सॉरी सर, रुंडू क्लोज पर्सन सर। अरे शाबाश सर। डेजी जरा मौजों को दबाओ नको, पहले लो बजट फिल्म है, फिर दो मौजा मंगाना बोले तो बाजार को भिजाना पड़ता। ओके महंगा पड़ता। ओके सर। कम ऑन टेक शॉट रेडी। हां डेजी, थोड़ा सा मौज ऊपर उठाओ। या वेरी गुड, नहीं नहीं थोड़ा सा लेफ्ट, वन इंच लेफ्ट, नहीं नहीं वन इंच राइट। हां रेडी, वी आर गोइंग फॉर टेक। अरे वो कुत्ते को हटा रहे, फील्ड में आ रहा। मामा इन हीरो के तेरे फिल्म का है? कैसे कैसे लोगों को लेके फिल्में बना रहे भाई ना। फुंगारे कोई बड़ा आदमी नहीं तो कुछ तो भी करता हूँ डायरेक्टर फेस को। वैसे भी आज का दिखाने का एक है और बिकाने का एक है, कंप्यूटर से क्या क्या ही कर दे रहे आजकल। अगर इसकी जगह अपन रहते तो सोच। सोचने का क्या है, डायरेक्ट जाके डायरेक्टर से बात करेंगे, फिल्म में लियो बोलेंगे। पीछे क्या है? चलिए चलिए खाना खाते नहीं, वहाँ सामने होटल है, वहाँ खाना खाओ या लंगर दिलवानी है। चलो क्या तमाशा देख रहे क्या? चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी हट बोलो तो सुन रहे क्या रहे? एक्शन। तुझको पता है बेबी मैं हूँ तेरा कितना मैड, ऐसे सता के मुझको मेरे दिल को करना सैड, ऐसे सता के मुझको मेरे दिल को करना सैड। परसों साथ रही हो आज क्यों भाग रही हो, परसों साथ रही हो आज क्यों भाग रही हो, क्या मैंने किया है क्यों मुझसे खफा हो। ओ बेबी शेक इट बेबी ट्राई टू मेक इट बेबी, ओ बेबी शेक इट बेबी ट्राई टू मेक इट बेबी, ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी। अरे रे 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 रे, क्या शॉट दिए जी तुम, स्पेशली वो जो हवा भरने का स्टाइल था ना। बड़ी बात से तोबा है, खाली वो एक शॉट के वास्ते फिल्म को रिपीट ऑडियंस आएंगी। यस बोल रहा हूँ मैं। अरे अभी तुम देखे कांजी मेरे स्टाइल, हाँ अब अगले फिल्म में देखो क्या क्या करने वाला हूँ। सर ये बनानास की कंटिन्यूटी है क्या? अरे ये मेरे नाश्ते के है। प्रसाद सर ये मेरे गाड़ी में रख दे। ओके सर। ओके नेक्स्ट शॉट करेंगे, रेडी। अच्छा करा, कुछ पैसे है तेरे पास? अरे सर मेरे पास 100 रुपए है ना सर। तो एक काम कर, शाम में 100 ग्राम अच्छा तेल ले जैतून कहा और मेरे घर पे आ जा, मेरी बॉडी पूरी दुखरी देख। अगर मैं कल सुबह तक फ्रेश हो गया तो फिर समझ तेरा शॉट पक्का है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। जा। डेजी आज तो हिला दिए तुम। थैंक यू सर। घबराओ। हाँ सर। वो ना ये दो लौंडे जब से खड़े हुए। ये लोग बेकारी के जमेदार हैं, काम नहीं धंधा नहीं, सुबह से शूटिंग देख लेते खड़े हुए। क्या हो रहा बाबा, हाँ कहीं कुछ ठहरे, जाओ ना घरों को शूटिंग वूटिंग सब हो गई, जाओ। नहीं सर वो आपसे थोड़ी बात करना था सर। जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आओ। सर हम लोग को भी एक्टर बने सर, प्लीज सर एक चांस दे दो सर हम लोग को।
अब भी जो हीरो डांस कर रहा था ना सर, उससे भी अच्छा डांस और उससे भी अच्छी एक्टिंग कर सकते सर हम लोग। तुम लोगों को बोला तो समझ में नहीं आ रहा भैया, चल फिर मैं बात कर रहा हूँ। देखो बाबा, अब भी जो हीरो नाच रहा था ना, उन्हें खुद का पैसा लगाया हुआ है 1 करोड़ रुपए। आज की तारीख में हीरो का बेटा हीरो, प्रोड्यूसर का बेटा हीरो या फिर पैसे वाला ही हीरो बन सकता। तुम लोगों को भी अगर फिल्म में काम करने का शौक है तो अपना खुद का पैसा ला लो, एक अच्छी फिल्म बना के दे देता हूँ। कितने होते सर फिल्म बनाने पैसे? सर कितने होते सर? वैसे तो मेरे पास एक लो बजट स्क्रिप्ट है, संभाल के रखा था मैं, वो तुम लोगों को दे देता हूँ। 35 लाख ला लो, एक अच्छी फिल्म बना के दे देता हूँ, जाओ। सर फिर वो पैसे वापस कैसे आते सर? वैसे तो खाली मेरे नाम से फिल्म बिक जाती, खाली पोस्टर पे डायरेक्टर भाई खुद्दुस ट्यूब वाला आ गया बोले तो 3 दिन में 50 लाख का बिजनेस तो घट है। गबरू मेरा कार्ड दे दे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा हुआ मैं डर रहा था, अब ये फिल्म के बाद अपने पास काम ही नहीं है। अगर ये लोग फ्लूक में आ गए तो समझ ले 5-6 महीने की बेफिक्री हो गई अपने को। मगर इस बार बजट मैं बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से लाते रे भाई 35 लाख रुपए? कैसे भी ला लेंगे रे भाई, एक बात तो तू लिख के ले ले, टेलर तो मेरे को मेरी जिंदगी में नहीं बनना है। देख रे, अरे रुक रे, ऐसा बजट पूछे तुम डायरेक्टर को फिल्म बनाने कितने होते हो बोल के, जैसा लखपति है तुम पिंडेश। अरे दीवाने, बैलू ने 35 लाख बोला, कोई करोड़ों का अमाउंट नहीं बोला। यहाँ 35 रुपए की टिकट कुछ सोचना पड़ता, 35 लाख कहाँ से लाते रे? चबूतरे पे बैठ के सोचेंगे अपन, कहाँ से आ सकते पैसे। गाड़ी नहीं है अपने पास, घोड़ा राजा महाराजों के पास रहता, जोड़ी की रकम, अभी टाइम नहीं आया। अमीर पोटी याद है, पोटी क्या बोली थी सो? फिर कहाँ से आएंगे रे पैसे अपने कने? फाइनेंस कौन देगा? एक औरंगाबादी प्लेयर है आसिफ बेग बोल के, उसका ऑफिस भी मालूम मेरे को। कब जाएंगे? कल सुबह। गुड मॉर्निंग, क्या आप सब काम पे तवज्जो दे रहे हैं? नहीं हाँ सर। कोई आएगा तो अंदर फोन करना। ओके सर। चलो मामले। यस आसिफ भाई है क्या? क्या काम है? फाइनेंस की बात करना था। बैठो। हाँ बोल सर, आपसे कोई मिलने आए? अंदर भेजो उनको। वालेकुम सलाम, बैठिए, बोलिए साहब। फाइनेंस होना था भाई। किसके वास्ते? पिक्चर बनाना चाह रहे हम लोग। लो कर लो बात। कितने मांगते? 35,000। लाख? सीधा लाख। देख बेटा, ये कोई स्विस बैंक नहीं है, ये फाइनेंसिंग का ऑफिस है। मैं समझा नहीं सर। समझा मतलब? पान शॉप को, चाय की वंडी को, चप्पल की दुकान को, बर्तनों की दुकान को, ऐसे लोगों को फाइनेंस करते। गुड आफ्टरनून मैम। ये लो, साहब कहाँ है? अंदर मीटिंग में है। कोई लेडीज है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ 2 लड़के। अच्छा, हाँ तो ऐसा रहता साहब, समझ गए होंगे आप। आ सफिया, खाना लाई क्या? हाँ लाई ना, आ जाओ हाथ धोके। तू जा, मैं थोड़ा मीटिंग में आता। तो भैया फिल्मों को फाइनेंस? अरे उसके सामने काय बोला रे मेलिया? अरे कुछ नहीं बोलो, फिल्मों की बात कर रहा, फिल्मों बनाने पैसे मत लाया। चल निकल यहां से, चल। अरे निकलने का नहीं इधर। अरे सफिया, अरे सफिया जान दे उनको, क्या कर रही तू ये तमाशे? ओ बहुत कीड़ा काट रहा तुम्हारा फिल्मों का। याद रखो, मेरे जीते जी तो ये होने नहीं दूंगी। तू आने कैसे दिए लोगों को अंदर? ये लो घुसो। खबरदार, ये राड़े कर रहा आदमी इधर बैठ के। केमिकल रिएक्शन। चलो रे खाना खाएंगे, आओ। क्या बाबू राव, कैसा है रिस्पांस पिक्चर का? पब्लिक ही नहीं है, ठंडी है फिल्म, थिएटर पूरी खाली है। हाँ हो, अब भी फुल जाती। देखो पूरे फुल होना, मेरे को पूरी पब्लिक को बुलाओ, जहीराबाद से बुलाओ, महमनगर से बुलाओ, रायचूर से बुलाओ, पैसों की फिक्र ना करो, टिकटा फ्री में बांटो, तुम पब्लिक को बुलाओ, हर जगह से बुलाओ, चारों तरफ से बुलाओ, बुलाए। मोहम्मद नईम, फिल्म क्रेडिट्स। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ टुडे रिलीज फिल्म टार्जन रिटर्न की।
खुद्दूस ट्यूब वाले ने इतनी घटिया फिल्म क्यों बनाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस हीरो को इस फिल्म में क्यों लिया गया? भूखे तो ऊर्जा जैसे लगते है वो। ये 125 रुपए की सुरसुर बत्ती को कहां से लाए मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये टार्जन रिटर्न एक ऐसी बेहतरीन फिल्म है, इस फिल्म को देखने के बाद आपको लगेगा कि एक हॉलीवुड फिल्म है और ये 1 करोड़ की नहीं 10 करोड़ की फिल्म है। अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो बर्तन छोड़ दीजिए, कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े छोड़ दीजिए, बच्चे संभाल रहे हैं तो बच्चों को फेंक दीजिए, अगर आप अपने मर्द के साथ है तो मर्द को भी छोड़ दीजिए, लेकिन इस फिल्म को मत छोड़िए। मैं इस फिल्म को देता हूँ 1 नहीं 2 नहीं पूरे 5 स्टार। शाम को जाएंगे पार्क वार्क घूमने? नो सर, माय हस्बैंड विल स्कोल्ड मी। व्हाई यू हस्बैंड फियर, हियर वाइफ नो फियर। सफिया है क्या? अरे नहीं भाईजान, डर गया ना मैं औरत आई करके। कहाँ से आ रहे दोनों? मॉर्निंग शो फीचर देख के आ रहे भाईजान। कोसी टार्जनवा रिटर्न, ये कब रिलीज हुई? आज ही रिलीज हुई। हीरो कौन? काली बद्दा, जिसम पे 100 किलो गोश्त नहीं है, फूके तो हवा में उड़ना, मगर हाउसफुल है, पब्लिक खाली उबल रही। सर जी एक बात कहें, उसको एक्टिंग आती है ना फाइट, अगर आप उसकी जगह होते तो बवाल मचा देते। उसकी पर्सनैलिटी कहाँ और आपकी कहाँ? ऊट हैरा माचिस का तीली और आप बारूद। ईमान से एक बात कहें, अगर आप पर्दे पे होते तो इतना असला बरसाते के वो दो छोकरे आए थे ना उस दिन फाइनेंस मांगने के लिए, उनका नंबर लिख के रखी है विजिटिंग में, देख 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 बोला। अरे जल्दी ले रहे भाई। हेलो, आसिफ बोल रहा। कौन आसिफ? फाइनेंसर आसिफ, रियल एस्टेट मामले। याद आया क्या? भाई भाई बोलिए भाई, आवाज आ रही भाई, साफ आ रही भाई, बोलिए आसिफ भाई। वो पिक्चर बनाने का कुछ बोल रहे थे तुम लोग? हाँ भाई। ऑफिस को आ जाओ, बना डालते तुम्हारी पिक्चर। सेकंड में रह रहे भाई। ए सुन, मेरी 2 शर्तें है, पिक्चर सिर्फ मैं फाइनेंस करूंगा और श्योरिटी के लिए कोई तगड़ी चीज मेरे यहाँ गिरवी रखना पड़ेगा, और दूसरी पिक्चर में विलन का रोल मैं करूंगा, यानी मिर्जा आसिफ बेग। ओके भाई। इसकी ऐसी की तैसी बेच के कुछ भी डालेंगे बोले तो, ना दादा बाबा के वास्ते रखे गए, ना बाबा हमारे वास्ते रखे गए। तेरा घर जाती है? आओ, कहीं तू। कैसा था दौरा बिहार का? 5-6 किलो तो उतर गया तू, खूब निकाले रहेंगे तुम्हारे पिताजी ने दूध इसका। हाँ, अरे बहुत निकाले। आओ आओ करण अर्जुन आओ, तुम लोग का रास्ता देखते बैठा था मैं। आज तो बोलो क्या करने का, कैसा करने का? आप बोलो भाई, आप जैसा बोले वैसा करेंगे भाई। जाना संडास दो बास मार रहा। पेपर लाई गया श्योरिटी के? जी हो भाई। ला इधर ला। 150 गज पे मकान। आओ भाई, बरोबर चेक करो, नहीं तो फिर तुम लोग को चेक करता मैं। अरे फिकर मत करिए सर जी, हम भी 4th क्लास पढ़ा हूँ। हाँ तो क्या नाम है तुम्हारे डायरेक्टर का? खुद्दूस ट्यूब वाला सर। लाने का था ना उसको, एडवांस दे डालते थे अपन। बड़ा डायरेक्टर है भाई, उन्हें अपने को जाना पड़ता ऑफिस पे। ओ, हमसे भी बड़ा आदमी है क्या? पैसे तो हम लगा रहे। उससे मिलने के वास्ते अपॉइंटमेंट लेना पड़ता सर। क्या रे चौथी फिल ऐसा रहता क्या? बराबर बोल रहा है, फोन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्या नंबर है? मिला 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 मिला। ये कार्ड है उनका। अगर ये फिल्म का डायरेक्टर मैं रहता ना तो ये शॉट ऐसा नहीं ऐसा लेता था। हेलो हेलो, कौन? अरे फोन तुम करे जी, तुम बोलना किससे बात करना है तुम्हारे को? हाँ, खुद्दूस ट्यूब वाला, मीटिंग करने की, पिक्चर बनाने का, हमको उनके साथ में। साहब जरा बिजी है, 1 मिनट उनके असिस्टेंट से बात करो। अच्छा दो। हेलो सर, बोलिए सर। सर आई एम पीए टू डायरेक्टर खुद्दूस ट्यूब वाला। डायरेक्टर खुद्दूस ट्यूब वाले के हमको डेट चाहिए, हमको मीटिंग करने का, फिल्म बनाने का। सर अगर आपको पिक्चर बनाना है तो उनके डेट्स के लिए उनके मैनेजर प्रसाद गारो से बात करना पड़ेगा सर, जस्ट 1 मिनट। ये उसको दे रहा, उसको दे रहा। हेलो सर। अरे तुम्हारे डायरेक्टर के डेट्स हमको मांगते हैं पिक्चर बनाने का हमको। साहब बहुत बिजी है साहब, एक काम करो, अगर उनसे मिलना है ना
कल सेट पे आ जाना शूटिंग पे, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप कर देते सर। क्या रे तुम्हारा डायरेक्टर तो बहुत बिजी आदमी लग रहा, करेगा क्या अपनी पिक्चर? कल शूटिंग पे बुलाया, जाओ कल आओ। ओके सर। भाई मेरे पेपरा? रहन देना तेरे पेपरा, खा जा रहा क्या मैं इसके पेपरा? जा रहे भाई जा रहे। चल 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 चल। क्या बोलते रे, बनेंगे क्या अपनी पिक्चर और बनूंगा क्या मैं विलन? शाबाश, मेरे को नहीं मालूम था तुम लोग इतने अच्छे एक्टर है सो। एक फिल्म बनाऊंगा मैं तुम लोगों को भी लेके, फिल वक्त तो कल एक नकली शूटिंग की तैयारी करो। क्या? वी आर रेडी सर। सर मेरे बारे में भी कुछ सोचिए ना। अरे तेरे को मेरी ऑफिस का एड्रेस कैसे मिल गया रे? कौन अपने दुश्मनों का हाल पूछे ना पूछे, लेकिन खुद उस सर की ऑफिस की खबर जरूर रखता है। चलो बता दो तुम खबर का एड्रेस। चलो बेटे आओ। अरे सर प्लीज सर। ये गाड़ी आ रही है रे। सर गाड़ी आ गई, एक्टिंग स्टार्ट कराओ। एक्शन। तुम कब सुधरोगे, कब आओगे मेरे पिताजी से मिलने? जाओ मीना जाओ, जाके अपने बाप से कह दो कि मेरा अंदाज बड़ा निराला है और मेरे गुरु ने कहा है कि मेरा वक्त जल बदलने वाला है। अरे ये सब पुराना हो गया, पुराने फिल्मों में चलता था, लोग क्या बोलेंगे? खुद उस ट्यूब वाला लास्ट फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट देके ऐसी बेकार फिल्म बना। अरे कुछ नया करो नया करो। नेक्स्ट शॉट सर। सर सर काम चालू लगता है। अरे घबरू, अरे घबरू, अरे सर सर सर। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इधर में रुको, मैं जाके मीटिंग करके आता। चलो अंदर। क्या बोलता बाप, लगाता हूँ इन्हें पैसा, बनती होंगी अपनी फिल्म। एक बात तो सही है रे, उसको भी एक्टिंग का कीड़ा है, देखेंगे क्या होता। टेक टू एक्शन। तुम कब सुधरोगे, कब आओगे मेरे पिताजी से मिलने? अरे जाओ मीना जाओ, जाके अपने बाप से कह दो कि मेरा अंदाज बड़ा। काट काट नहीं यार नको, एक काम करो लंच के बाद करेंगे। तुम लोग जाओ रिहर्सल करो, जाओ मेरी फिल्म में ये सब नहीं चलने वाला है, जाओ रिहर्सल करो, जाओ जाओ जाओ। कुछ एक काम करो, वो बड़ी जूम लेंस मंगाओ लंच लगा के। क्या डायरेक्टर साहब तो बहुत बिजी लग रहे, जाओ उनको बोलो प्रोड्यूसर आए मीटिंग करने की, बोलो जाओ। साहब बहुत बिजी है, नहीं मिल सकता, काम कर रहे ना सब। आपको इतना जल्दी है तो ऑफिस पे आकर कल मिलो ना सब। हाँ क्या रिका में बात कर रहा क्या? बोलो उनको आसिफ भाई आए हुए मीटिंग करने के, जल्दी जाओ बोले जाओ। टायर बोलते सर प्रोड्यूसर आ गए। क्या इधर में बड़ा दिख रहा है आके बैठा? ओ मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। हेलो डायरेक्टर साहब, कब से हम आके धूप में बैठे, दिख रहा नहीं तुमको? ये कौन है? हम कौन? अरे साहब ये प्रोड्यूसर है। अरे वो दो बच्चे नहीं थे अपने को चांस दिया बोल के सेट पे, कल टेलीफोन में बात नहीं हुई, आप ही बोले ना इधर बुला बोल के। सर वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर फोन नहीं है, बोला था ना। हेलो। अरे भाई मैं आपको पहले ही बोला ना, पहले ही बोला मैं आपको फिल्म कंप्लीट हुई तक मैं कोई राइट्स नहीं बेच रहा हूँ, कोई भी स्टेट को नहीं दे रहा हूँ। मैं फिल्म कंप्लीट हुए बाद खुद आपको फोन करता हूँ मैं। ओके फोन रखिए अब, थैंक यू। एक काम करिए आप, कल ऑफिस पे आके मिलिए। ओके साहब। देखे सीखो उस्ताद से अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना लोगों के सामने, समझे? हमारे मैनेजर साहब फोन बॉम्बे से आया था या बेगम बाजार से आया था? कभी बॉम्बे से आते हैं रे? भाईजान बहुत लाइन दिख रही, ऐसा दिख रहा पूना से हड़पसर तक लाइन है। चल ये देख। हेलो भाई, क्या डायरेक्टर साहब लंगर लगाए क्या अंदर? इतनी बड़ी लाइन किस लिए? अरे भाई हम सब प्रोड्यूसर आए, सुबह से वेटिंग में ठहरे हुए, नंबर कब लगता बोल के। तो तुम्हारे बोलने का मतलब ये कि ये सब लोग पिक्चर बनाने को इधर आए? फिरने तो क्या, राशन लेने आए? चलो तुम भी लाइन में लगाओ। देखो हम वो है जो कभी जिंदगी में लाइन में ठहरे नहीं, हमने सिर्फ लाइन तोड़ना सीखे, इनको मालूम नहीं। चलो सर ये आपका ठोकर नंबर है सर, आप लाइन में आ जाइए सर। खुद सर बहुत बिजी है, आई थिंक सर आपका नंबर 9 बजे तक आ जाएगा, मगर डायरेक्टर साहब अगर ब्रेक ले लिए तो फिर बोल नहीं सकते सर। अरे एक मिनट रुको सर। अरे अरे इकट छोड़ो, ई फ्रेम का वाले ना को। चलो चाचा थोड़ा आओ इधर, बात करने की हमको। क्या तरीका है ये, बाहर लाइन दिख रही तुम्हारे को? जब मैं छोटा था और स्कूल में था ना, तो टीचर मेरे को बोलने की आसिफ लाइन में आओ, तो ताबड़तोब वोच टाइम पे मैंने उसको दीवार पिक्चर का डायलॉग मार रहा था। तुमको कुछ नया बोलू? तुम कौन से स्कूल के है? राघव रत्न हाई स्कूल। अरे तुम मेरे स्कूल में थे जी, तुम 7th में थे और मैं 10th में था। अरे वो बीच की मांग निकालता था, देखो स्मार्ट बच्चा भाई छू वो। अरे आसिफ क्या यारो नहीं पहचाने?
बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे वास्ते? वो करने कराने का देखेंगे, पहले जितने बागड़ बिल्ले उधर लाइन में ठहरे ना, पहले उनको बाहर करो। अभी दो सेकंड में भगा क्या तो पूरे को ठहरे, हटो हटो। व्हाट इज योर नेम बेबी? चलो भाई अपना अपना पेमेंट बाद में आके ले जाओ। चलो अरे इधर आओ, स्कूल आ रही यहाँ पे। हाँ पहले बोलना नहीं उन्हें, रोडी है बोल के। हाँ यू एक्टिंग डायरेक्टर टेलिंग। हाँ आसिफ। हाँ बट 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 बोलिए आसिफ साहब, मैं आपकी कैसी फिल्म बनाऊं? पिक्चर कुछ भी बनाओ, लेकिन ये दो छोकरों को हीरो बनाने का और मेरे को विलन। करण अर्जुन टाइप की कोई स्क्रिप्ट सोचना पड़ेगा। हाँ सोचो, जितना जल्दी हो सके सोचो, क्योंकि अपने को अर्जेंट में करने की पिक्चर। बड़ी बात से तोबा है, ऐसी फिल्म बनाऊंगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि हिंदुस्तान की तारीख में नहीं बनी होंगी ऐसी फिल्म। क्या एक्शन होगा इसका, लाजवाब, रोमांस, पैशन, इमोशन, ये वो, फैंटास्टिक, फैबुलस। प्रोड्यूस बाय आसिफ बेग एंड डायरेक्टेड बाय कुद्दूस ट्यूबवाला। और फिल्म का नाम? हाँ इंटरवल के बाद बोलते हैं। Drop of a rap, the drop of a beat. You might have listened to what thought was fact. At the drop of in the minute, all the alley wanna bump, and everybody who just painted people snuck up in the trunk for the beat. ये जो मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैसे तो तुम लोगों की किस्मत है जो ये स्क्रिप्ट तुम लोगों को मिल रही है। अगर मैं ये स्क्रिप्ट बॉलीवुड के किसी बड़े एक्टर को सुनाता, खान कपूर, तो दो मिनट में राजी हो जाते थे वो लगाए फिल्म करने, समझे? सर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, उन लोग भी अपनी पहली फिल्म में नएज थे ना सर। पॉइंट है सर, पॉइंट है। तुम दोनों यहाँ पे एक्टिंग करने आए, पॉइंट पकड़ने आए मेरे? हाँ ये बात तुम लोगों को मैं सीन नंबर 23 में बोल दिया था कि बड़े हीरो के बेटे हीरो नहीं बनेंगे तो क्या सर्कस के जोकर बनेंगे रे? हाँ उद्दूस साहब ये मत भूलो, उन लोग के बाप लोग भी पहले आर्टनर में थे ना, प्रोड्यूसर है पिक्चर का। बड़ी बात कर रहा नहीं मैं, ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होने के बाद तुम्हारी और ये दो छोकरों की लाइफ बनने वाली है, ये लिख के ले लो। तो सब हम देख लेता। डायरेक्टर तुम लोग आप डिस्टर्ब न करो, घड़ी घड़ी कहानी सुनो। गबरो शिवा सर, प्रसाद सर, आनंद जी, ये इस फिल्म का फर्स्ट हीरो। थैंक यू सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर, मैं 5 साल से आपका असिस्टेंट हूँ सर, और मैं जिंदगी में हमेशा सोचता था सर कि सिर्फ आप हीरो बनेंगे तो मेरे कुछ बनेंगे। सर आपने कुछ 6 महीने का टाइम दीजिए सर। सर मैं एक्सरसाइज करके अपने जिस्म की पूरी चर्बी गला के कच्चे तरकारियों में रखे सर, मैं 6 पैक बना के सलमान खान के जैसा आपके सामने रेडी खड़ूंगा सर। वैसे सर मेरा स्क्रीन नेम सर कपूर रुपया खान सर। बैल रहना मगर बैल के बी नहीं रहना, मैं उन लोगों को समझाने तेरे को डम्मी हीरो बना रहा हूँ, समझा? तू मेरा असिस्टेंट था, है और रहेगा। अब स्टोरी सुनो। तुम दोनों बचपन से कमीने रहते, एक ही थाली में खाते, एक ही हमाम में नहाते, एक ही कॉलेज को जाते और प्यार भी एक ही लड़की से करते, और तुम लोगों का विलन वो भी एक ही से रहता, तिहाड़ कोर विलन राका। अरे मामा ये तो अपनी ओरिजिनल स्टोरी दिख रही। हाँ वो सुन रहे। चलती मशीन में हाथ डालेंगा तो हाथ से हाथ धोना पड़ेगा, समझा? रोल कट। अरे छोकरे क्या बोल रहे उधर, डायरेक्टर साहब सुनो ना, खामोश। सर आप बोलिए बोलिए। शाबाश, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। थैंक यू, थैंक। समझे? सीखो इनसे, सीखो। तो सुनो, बचपने में तुम लोगों के गांव में बाढ़ आ जाती और तुम दोनों बाढ़ में बहते हुए एक गांव को आ जाते और वहां तुम लोगों की मुलाकात हीरोइन रेशमा से होती। तुम दोनों को रेशमा से प्यार हो जाता और विलन राका को भी रेशमा से प्यार हो जाता। उसके बाद हीरोइन रेशमा को भी तुम दोनों से प्यार हो जाता। अरे दोनों कैसा प्यार करेंगे यार वो? फिल्म में राका की बहन का रेप भी हो जाता। हाँ। और उसके बाद राका कोमा में भी जा सकता। ओ। मगर मैं स्टोरी चेंज कर दिया। हाँ। फिल्म में यह दिखाया जाएगा कि किस तरह दो हीरो चंगू और मंगू अपने प्यार को पाने के लिए राका से कैसा बदला लेते हैं। Fantastic. एक बात बोलो मेरे को, इसकी हीरोइन कौन रहेंगी और शूटिंग कब से रहेंगी? वैसे तो मेरी हर फिल्म में हीरोइन एक ही रहती, डेजी। लेकिन इस फिल्म के वास्ते मैं 5 हीरोइन को बुलाया ऑडिशन के वास्ते। कल ऑडिशन है, जैसे हीरोइन सेलेक्ट अपनी शूटिंग स्टार्ट। लेकिन पिक्चर का नाम क्या सोचे तुम? फिल्म का टाइटल है ओले बने शोले, वॉल्स ऑफ फायर। मैं बोल रहा हूँ ये फिल्म के बाद अपनी भी स्टोरी आगे बढ़ा लेंगे।
सर को बोलू तुम बहुत ही फ्री हो जा रहे। सर से थोड़ी निकाह पड़ाना है। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम भी सेहतमंद है, मैं भी सेहतमंद हूँ, औलाद भी सेहतमंद निकलेगी। आ हा हा हा, तुम सेहतमंद मोटू हो मोटू। नमस्कार, सब ठीक है? ऑडिशन के लिए जो लड़की आए उनको एक एक करके अंदर भेजना सर। खाली जल्दी जल्दी भेजो, टाइम नहीं है मेरे पास। और सुनो, इसके बाद सबको एडवांस देना है और हर एडवांस में से 50% निकालना नहीं भूलना। और ये बात प्रोड्यूसर को नहीं मालूम होना। क्या बोल रहा हूँ? समझा दिया सर, पहले ही समझा दिया। क्या साहब, फर्स्ट टाइम थोड़ा ही चाहिए हमारा। स्मार्ट बॉय है। थैंक यू। चलो साहब, आदा सर। मुचड़ नहीं आया वो? उसको टाइम नहीं बोला ना सर। इससे पहले उन्हें आ जाए, जल्दी ऑडिशन खत्म करो। क्या बोल रहा हूँ? क्या डायरेक्टर साहब, बगैर प्रोड्यूसर के पिक्चर बना लेते क्या तुम? अरे भाई, अभी पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, हीरोइन का ऑडिशन ले रहा हूँ। वही बोल रहा मैं, कोई भी काम रहने दो, हमको इत्तला कर दो, हमको भी इन्वॉल्व करो हर काम में। बुलाओ कौन कौन है, देखेंगे। तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैडम, पहले तो वो खून नहीं, खून है, और वो जिंदा नहीं, जिंदा है, और हम आपसे बहुत शर्मिंदा है। नेक्स्ट। Hi, my name is Payal and I'm 23 years old. और मैंने मॉडलिंग किया है, मैंने 2 हिंदी सीरियल्स भी किया है, एक था सास बनी टाइम और बहु बनी चुड़ैल। ठीक है ठीक है, डायलॉग बोलिए। तुमने अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कुछ कर सकती? वाह क्या बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सेलेक्ट हीरोइन, और कोई होने वाली नहीं हीरोइन। हेलो हेलो भाई साहब, यहाँ डायरेक्टर बैठा हुआ है, उसको अपना काम करने दो, आप कहीं को बीच में टांगा डाल रहे? अरे बाहर बहुत बच्चियां बैठे हुए भाई, दूसरों को भी देखेंगे। तो बाहर जितने भी बैठे ना छोकरियां, उनको घरों को भेज दो अपने अपने, हमारी भी कुछ नजर है, इल्म है, हमको भी कुछ नॉलेज है। ये हो गई छोकरी सेलेक्ट, हमने बोल दिए खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बन गए हीरोइन, इसको लेना इसको। चलाओ मैं आपको एडवांस दे डालता, आओ आओ मेरे साथ। आनंद जी, ऐसा दिख रहा अपन लोग मुसल में सर दे दिए। ये तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लाइट वाला लिखो, जरा जल्दी दो। आप बैकअप मैन 5,000 दे उसको। एक कैमरामैन, ए शिवा तू टाइम पे नहीं आता क्या? 10,000 लिखो जी। हाँ दे दीजिए सर। मेटल गुनाल सर, सर यो ना रख दे चलो। खाने वाले के 20,000 पर डे लिखो जी। खाने के 20,000 रुपए, खाना भी हमें देना इन लोग को, घरों से टिफिन ला लो बोले इन लोग को, पूरों को। अरे ये बात तो हमने सोचा ही नहीं, हम क्यों दे बे, काम भी दे और खाना भी। क्या हुआ, किसको कितने बांट रहे? चले जान, खाना भी पूरों को पनी देना। सर प्रोडक्शन आपका है तो फूड भी आपको ही देना पड़ेगा। खाने को दे दो और मैडम को चेक दो। क्या नाम लिखू? पायल सरकार। ला भाई ला, पायल सरकार। सर जी एक साइनवा तो मारी। अरे लाइए तो सही। अरे लीजिए तो सही। हमारे मैनेजर साहब। हाँ सर। कहा एक जरा 5,00,000 का चेक तो लिखो। 5,00,000 किस खुशी में? डायरेक्टर फीस। अगर तुमको 5,00,000 देंगे तो दूसरों को क्या देंगे फिर? नक्को दियो। एक काम करो, पिक्चर रिलीज हुआ से जब करोड़ों रुपए कमाएंगे ना, उसमें से 50% मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, एग्रीमेंट बनाओ जी। चेक इधर लाओ, उधर लाओ, चेक क्या है? क्या नाम? उद्दोष ट्यूब वाला। ये लीजिए सर। कम ऑन, इनको कहाँ ले जा रहे? फिल्म के सीना समझाने ले जा रहा हूँ, चलो। फैसल बाबू। ఏంటి సార్? ఏ కమిషన్ బాబు సార్, ఇంటికి రక్ తక్కువ వస్తున్నాయి, నేనే అడుగుతాం అనుకున్నా సార్. ఏ ఇదర్దే నీ బతుకుల మన్నువాడా సార్, మెహనత్ తో మేరా హైనా సార్, 5%. అచ్చా టైటిల్ దియా, మెహనత్ మేరీ ఔలాద్ తేరీ. యే లే రక్, బాకీ కే ఫిల్మ్ రిలీజ్ కే బాద్. सफिया, ओ सफिया, सफिया, चलो उठ 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 जल्दी उठ। क्या है जी, कहीं को उठाई थी सुबह? मेरा लाल कुर्ता इस्तरी कर, मेरे को जल्दी जाने का। इतनी सुबह कहाँ जा रहे तुम?
अरे अहमद पटेल आए नगर से, उनको जमीन बताने की सवाला मत कर, तू ज्यादा इस तरह कर, लाल कुर्ता में आता नहा के चला ला जल्दी, कुर्ता ले क्या, कुर्ता ले क्या, कुर्ता ले क्या। हाँ चलो चलो, हो गया हो गया हो गया, नाश्ता तो करके जाओ, वो सब हम वहां कर लेते हैं। ये कौन सा कारोबार गुजारा आदमी थी सुबह, चलो रे निकालो गाड़ी जल्दी, शक होने मत दो औरत को। एक बात पूछूं? पूछो। तुम इतने अच्छे के क्यों जी? 7 घंटे रामाटाड़ो मानोड़ेमो 12 घंटे को स्टार्ट हो, ये पुरता भी शुरू जस्ता रहना है ना। क्या हुआ? शूटिंग क्यों नहीं शुरू करे अब तक? डायरेक्टर किधर है? सर साहब का रिकॉर्ड है, आज तक टाइम पे नहीं है, आते होगे 10-11 बजे तक, जब तक आप भी जरा छो देख के आराम कर लेना था। अरे तो डामिया मेरे को 7 बजे बुलाया ना, कॉल करो डायरेक्टर को, कॉल करो। सर उनका फोन स्विच ऑफ है, इंडस्ट्री का रोल है 7 AM कॉल शीट, पर आता कोई भी नहीं सर। हीरो लोग भी लेट आ रहे, कहाँ थे रे दोनों? आंख लग गई जी सर। कितने बजे को बोल दिया प्रोग्राम? 7 बजे। तुम कितने बजे को आया? 7:30। कल से जल्दी आना, नहीं तो डायरेक्टर को बोलते उन्हें सीन कट करते। हम लोग उधर बैठते सर। हुआ क्या? चल रहे भाई सब मनमाना कर। सर मेकअप रेडी हो जा सर। का है? उधर है सर ये मेकअप, ये सर आ गए रे, ये जल्दी करना रेडी। ती ती जल्दी ती। कैमरामैन आउन सर। नमस्ते सर। नाम क्या है तुम्हारा? नेम सर शिव कुमार सर। हाँ देखो शिव कुमार, मैं भी प्रोड्यूसर है पिक्चर का ये, और मैं एक्टिंग भी कर रहा पिक्चर में, तो तुम मेरे खास करके शॉट अच्छे निकालो। हाँ बॉडी वॉडी थोड़ा बनाया मैं तो अच्छा बताना बॉडी। ओके और क्या करना, हीरोइन आने वाली है अभी, उसके साथ में क्लोज में समझ रहे क्या तुम, अच्छे शॉट निकालना। क्या सर ये नहीं क्या प्रॉब्लम है सर? सर ना करा जूम सर, अदे जूम तो सर, सर नागर बेबी अड़का सर नैन बेबी सर ना अडस्ट ना सर जो भी ये काम तुम्हारे हिसाब से तुम काम करो, मैं बोलता तुम्हारे को जो भी है उसमें एडजस्ट करो। आता मैं। डायरेक्टर वा कहाँ है? उका तो कुछ पता नहीं। पहला दिन है, पैसा लगाया आपका, आप कहे तो फोन लगवाए। बड़ा फोन तो मिला। बता रहा भाई जान। कलर क्या बोल रहा? जबरदस्त। टाइम क्या हो रहा? 11 बज रहे भाई जान। अच्छा सर प्रोड्यूसर बहुत गर्म लग रहे हैं ना? धूप बहुत तेज है ना, तो ये हीरोइन के साथ में आ रहा, पता था मैं इसका मजा। कौन से टाइम पे आ रहे तुम, क्या तेरी है? पहली फिल्म में था एटीट्यूड, हां टाइम खराब हो रहा, 1.5 लाख लोकेशन के दिया मैं, कोई मामूली बात नहीं है, पैसा पानी के जैसा बाहर हो मैं फिल्म के वास्ते। ए कैमरामैन शॉट पेटू आओ सर। वो चाबरा ये बंदे में दम है, लग रहा है डायरेक्टर वा है। मेरे को तो इसके पोजिंग आ दिख रहे भाईजान। क्या कर रहा मेरा स्टाफ, एक एक का पेमेंट रोज 5,000 रुपए है, मगर काम 500 रुपए का भी नहीं हो रहा। क्या आनंद जी आप भी सीनियर हो क्या? और डेजी तुम इन लोगों को डायरेक्ट सिखाओ, और तुम लोग okay, सेट पे 7:30 को आते, कल से जल्दी आओ। सर आप भी लेट हैं ना, बैठ रहे चल। शिवा सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लीव इट सुडू सर। इप्पुडु शॉट पायल कम हियर सर। बाजो इप्पुडु शॉट एंटंटे 2 heroes 1 heroine क्लोज शॉट पे 2 ओके सर। अद क्लोज शॉट का सर 3 shots सर। अब तुम हमारे को बताएंगे शॉट कैसा लेना है, क्या करना है सो? हाँ जीता बोल रहा ताकर। पायल कम, मैं तुम्हारे को सीन समझाता हूँ। ओके okay? तुम लोग को यही ठहरो, चलो। तुम्हारा डायलॉग है इस गांव में अब हम आ गए हैं, अब राका पे मौत बनकर ढाएंगे, और तुम्हारा डायलॉग है अब यलगार होगा। अरे मेरा इतना छोटा डायलॉग? जितना स्क्रिप्ट में है उतना ही बोलो, एक्स्ट्रा स्टोरिया नको लिखो, समझे? सब लोग रेडी? रेडी सर। सीन 1 by 1 टेक 1 एक्शन। अब इस गांव में हम आ गए हैं, राका पर मौत बन कर नाचेंगे, अब यलगार होगा। मैं जानती थी तुम दोनों जरूर आओगे। कट। फंटास्टिक फंटास्टिक, ये छोना था मेरे को, ये छोना, शाबाश। सर कैमरा नहीं अपने सर। अब क्या हुआ रे भाई? सर आप कैमरा जान बोलना भूल गए। अब तू मेरे को काम सिखाएगा? जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तेरे को आके,
तू सही क्लैप नहीं मारा, फिर से मारो, चलो फिर से लो एक्शन। अब इस गांव में हम आ गए हैं, राका पर मौत पर करना चाहिए, अब गलगर होगा। कट, लंच ब्रेक। हाँ, लंच ब्रेक। अरे वो एक शॉट भी काढ़ा नहीं, लंच ब्रेक। ओ, खाओ खाओ, अच्छा तरीका है तुम्हारा, खुद तंदूरी चिकन खा रहे हीरोइन के साथ में और हमको दाल राइस खिला रहे तुम। कौन खाता मियां वो प्रोडक्शन का खाना? हा? वो पतली दाल, वो मोटे चावल, ऊपर से वो चावल में सोडा मिला हुआ रहता, ज्यादा नहीं खाना बोल के। इसके वास्ते मैं मैनेजर को बोल के ऑनलाइन मंगा लिया हम दोनों का खाना। वाह सर जी, चुपचाप खा लीजिए, अगर आप भी चिकन खाएंगे तो पूरी यूनिट को चिकन मंगाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना। अरे घूरो तको नको मियां, ये लो ये टांग ले लो, नहीं तो मेरे पेट में दर्द होगा, खाली पीली के खाओ। ओ, क्या चल रहा रे? सर नमस्कारम, भावना रा। तू भी बहुत बुरी गत का डुक्कर है तू, खा खा तू, तेरा बाद में देखता मैं। आ तू एक्शन सीन कर लेते। हाँ सर, हाँ सर, कर लेते। देखो मियां, ये जरा रिस्की सीन है, इसमें क्या है बोले तो, हीरोइन एक खाई में गिर जाती और तुम दोनों को उसको ऐसा हाथ देके पकड़ के बचाना है, बचा लेते ना? हाँ सर, हाँ सर, बचा लेते। वही बोलो, अगर कहीं गलती से भी तुम लोग हाथ छोड़ दिए ना, तो फिर प्रोड्यूसर को कोई नहीं बचा सकता, याद रखो। बी केयरफुल। शिवा सर, शॉट रेडी। क्या भाई, खाली उन दोनों के शॉट आ निकाल रहा, सुबह 7 बजे से तो मेकअप डाल के आप बैठे हुए। टेक में पकड़ना था आता। शिवा सर, कैमरा। सर मिचर को तो बैठता सर। एक्शन, बचाओ, और चिल्लाओ, बचाओ। अरे तो कमाल, मैं भी मर जाता हूँ रेशमा, बचाओ। गुड, फैंटास्टिक। किसिंग सीन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम लोगों को? नको सर, घर में देखो तो अब्बा बात करते। अब्बा घर में बैठ के दूसरों का देखते हैं? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आई एम रेडी। शाबाश, आर्टिस्ट शुड बी ऑलवेज रेडी। एक काम करो, माउथ फ्रेशनर के साथ तुम रेडी हो जाओ। शिवा सर, नड़ू, ये शॉट हम एक गुफा में लेंगे, आओ। ओके सर। रिहर्सल कर लेंगे क्या? इसी तरह चला तो आप साइड में रह जाएंगे, कुछ करिए वरना मुगले आजम की तरह 20 साल लग जाएंगे ये फिल्म वाह बनने में और आप चने चबाते रह जाएंगे, बताइए। इसका तो मैं अब भी करके आता। उधर सर, बाउंडर सर, जो बोले उल्टा बोलता क्या रे? एक काम कर, तू डायरेक्शन कर ले, मैं कैमरा हैंडल कर लेता हूँ। सॉरी सर। अरे वैसा लिए तो अच्छा दिखता। हेलो डायरेक्टर साहब, कैमरा शॉट कब है? अरे बुलाता हूँ जाओ जी, है जब नहीं बुलाता हूँ ठीक है, तो हमको 7 बजे क्यों बोला है? जब शॉट है, जब बुलाने का था ना। ये देखो, ये तुम्हारी पहली फिल्म है, अरे एक्सपीरियंस लियो, तुम प्रोड्यूसर है फिल्म के, फिल्म कैसा बनती देखो जरा ठहर के। अरे जब हम एक्टर बनने आए थे, डायरेक्टर सुबह 5 बजे बुला लेता था सेट पे और शाम के 5 बजे तक हमारा शॉट नहीं होता था और हम वैसी मेकअप से घर को वापस चले जाते थे, समझे? जाओ बुलाने के टाइम बुलाते हम कैसा भी। सुडू सर, इतना जूम पेटते। भाई क्या बोला डायरेक्टर? वो बोल रहा कुछ मेरा स्पेशल शॉट है, वो टेक्निक से लेने का, उसको बोला रुको करता मैं तुम्हारा। बैकअप, बैकअप। क्या सब पैकअप हो गया? हिसाब कर लेंगे, बिल बहुत बड़ा है। वो हमारे डॉक्टर साहब, इधर आओ। क्या दम है रे भाई ये? क्या हुआ? नहीं, कल भी हमारा 7 बजे है या 11 बजे, तुम क्लियर क्लियर बोल दो, इतनी देर बैठता नहीं बोल रहा मैं तुमको। कल सुबह 7 बजे पहला शॉट तुम्हारा रहेगा। कहीं को बोले तो, जो फेस पे तुम्हारे मेरे को फ्रेशनेस चाहिए वो अब नहीं है। आज रात में अच्छा सो जाओ, कल पहला शॉट तुम्हारा रहेगा। कल ये मेरा शॉट तो नहीं लेना, फिर इसका शॉट मैं लेता। चलो रे, आज की तारीख में राका से कोई बच के जा नहीं सकता। क्या बात है भाईजान, नहीं जा। आज की तारीख में, आज की तारीख में राका से कोई बच के जा नहीं सकता। आज की तारीख में राका से कोई बच के जा नहीं सकता। आज की तारीख में राका से कोई बच के जा नहीं सकता। आज की तारीख में राका से कोई बच के जा नहीं सकता। हाँ डायरेक्टर साहब रेडी। सर डायलॉग याद हो गया ना? तुम जाके तुम्हारा काम देखो, अच्छे अच्छे डायलॉग बोले हमने, दो दो पेज के डायलॉग बोले, नगर में प्रोग्राम होते थे हमारे यहाँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब, विलन साहब, आप रेडी है? हाँ रेडी। क्लैप इन, कैमरा रोल, रोलिंग, एक्शन। 32x1 टेक 1।
कट 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 सॉरी 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 थोड़ा मिस्टेक हुआ गलती से। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होते रहता। चलिए फिर एक वन मोर टेक। टेक टू एक्शन। कट 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 मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। हेलो मेकअप, जरा साफ को टचअप करो जरा। हाँ सर रेडी, पक्का रेडी। अब रेडी क्लैप इन, रोल कैमरा, रोलिंग, टेक फाइव, एक्शन। राका का बिल्ला करंगा। आज बोलते रहे ने। जरा पानी पिलाओ जी। ये पानी पियो, 10-15 वक्त करो सब, परवा नहीं। रोल कैमरा, रोलिंग, टेक 18, एक्शन। राका गांव में आग लग, कट, टेक 37, एक्शन। क्या था डायलॉग वो? ए कौन है साबो? हाँ काम हो रहा, मजाक चल रहा है इधर। क्या इधर रिकाम में चाले करते ठहरा मैं, क्या बोले बात करते ठहरा? हंसने का नहीं तो शूटिंग रोक देता मैं इधर। एक मिनट, देखो आसिफ साहब, आज की तारीख में आसिफ से कोई बच सकता? आज की तारीख में आसिफ से कोई बच नहीं सकता। सीधी सी बात है, आसिफ को निकालो, राका को डालो इधर। देख इसको बोलते डायरेक्टर। कोई बात नहीं, होते रहता भजन। अरे दिक्कत नहीं है, मारिए आप। टेक 50, एक्शन। आज की तारीख में आसिफ से, अरे वो राका था ना, इसके डायलॉग कम कर दे, नहीं तो ये फिल्म कंप्लीट हुए तक तेरे बाल सफेद हो जाते। ओके सर। लंच ब्रेक। टेबल पे बैठेंगे रे, कब आता है अपना सवाल। अभी रिपीट साइन थोड़ा नॉनवेज नहीं रखना। हमारे पायल जी, जी आओ ना आज हमारे साथ लंच करो ना। श्योर। अरे पायल यहाँ कहीं को बैठे, लेट्स हैव लंच देयर। वहाँ मैं अपने वास्ते कूलर मंगाया। हाँ या भी वही कर रही हो, तुम जाओ लंच करो, थोड़ा अपने को प्राइवेट में बात करने का। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था पायल, ये जो अभी मेरा डायलॉग में थोड़ा वो हो गया ना थोड़ा। हाँ हमारे आशीष साहब रेडी है आप। अभी बोलता मैं, वो नाश्ता करके नहीं आया था, अभी अच्छा खाया ना, अभी बोलता मैं। वही बोल रहा हूँ मैं, कई को डायलॉग नहीं निकल रहा आपके मुँह से, अब होगा देखो सही काम। 51, एक्शन। बिल्ला मेरा नाम क्या है पिक्चर में? रेशमा का राका, अरे यार वो लाइन बरोबर से लिखा नहीं यार वो राइटर ने। टेक 92, एक्शन। मैं राका हूँ। कट 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 भाई, अरे यार वो कट कट। टेक 100, आज की तारीख में आसिफ से कोई बच के जा नहीं सकता। फैंटास्टिक। सल्ला मत करो ना, ये ले लो यपिनो। इन्हें राका की जगह आसिफ बोल दिया, वो डबिंग में करेक्शन कर लेंगे अपन। प्रोडक्शन पानी। शबाश शबाश आसिफ साहब, बड़ी बात से तोबा है, इस फिल्म के बाद हर माँ अपने बेटे से कहेंगी कि बेटे सो जा नहीं तो राका जाएगा। दूसरा शॉट रेडी करो तुम। जा ये सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रहे तुम? काम कारोबार पे जा रहा, रोज तेरे को पूछ के जाता क्या? 12-12 बजे तक तो तुम्हारी आँखा खुलते नहीं, ये अचानक सुबह 7 बजे कैसे खुल रहे? कुछ काम ऐसे रहते फजर पड़ते निकलना पड़ता, और कुछ काम ऐसे रहते आधी रात को भी घर छोड़ के जाना पड़ता। क्या सबका हिसाब देते बैठूंगा तेरे को? शाम में जल्दी आ रहा मैं, नान खलिया बना के रख। मेरा फेस करे शाइन, जब से हो गई तू माइन, चढ़ा तेरा नशा ऐसा जैसे पीली मैंने वाइन। मेरा फेस करे शाइन, जब से हो गई तू माइन, चढ़ा तेरा नशा ऐसा जैसे पीली मैंने वाइन। भागी कहीं निकल के दिल से मेरे तन्हाई, अब तो ये सारा आलम लगने लगा है फाइन। मेरा फेस करे शाइन, जब से हो गई तू माइन, चढ़ा तेरा नशा ऐसा जैसे पीली मैंने वाइन। Fantastic! Thank you, sir! चलो। अच्छा इधर जाना शे। ऐसा दिख रहा मेरे को ये गाने के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अरे पब्लिक आपको पहचानता है, ये लंदन को कौन जानता है भाई? चाल साला ढकने वाल खत्म, अब सोना उतरेगा मार्केट में। क्या बोल रहे तू? ये गाना मेरे को रिशूट मांगता मेरे ऊपर। अरे रिशूट कई कुछ जी, बच्चे अच्छा डांस कर रहे ना, खाली पीले खर्चा बढ़ जाता। बच्चे अच्छा कराने, मैं अच्छा करने वाला है ये बोल रहा मैं। तुम करते, अरे तुम फिल्म में विलेन है जी, ऐसे छिछोरे नाच गाने करे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाता मार्केट में। वो नाम खराब होएगा या बढ़ेगा वो हम देखते, तुम लगाओ शर्ट लगाओ। ए इधर आ रे,
अरे मेरी इज्जत है यार इधर। ये धादुलिया करने आ रहे तुम? अरे क्या बोल रहे, सुन रहे तुम बरोबर? क्या चला घरी दाखोती भी तुम तक चला। अच्छा कहाँ चलने, किधर चलने बोलते? कहाँ चलो इधर। अरे मैडम सॉन्ग तो कंप्लीट हो गया। सॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं, बंद करो तुम्हारा नाटक। पैकअप पैकअप पैकअप, तुम वहाँ कहाँ जा रहे? इधर चलो घर। यहाँ घर चलो। अरे शिवा सर, सीन रिकॉर्ड कर आइए। सुपर गुड सर। शाबाश, जिंदगी में पहली बार सही काम करा। सवाल क्या रखे इसको, इन्हें जब भी उड़ेंगे ना अपन इसको बताएंगे। म्यूजिक लगाओ। अरे सफिया मेरी बात सुन रहे? देख ऐसा नहीं करते, देख सुन सफिया, मैं क्या बोल रहा तो सुन तो सर। अरे औरत ये देख 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 देख, एक तो तू इतना जोर से मार डाली मेरे को सबके सामने लात। शुक्र करो तुम्हारा मुंह नहीं तोड़ी। अरे तू अभी यहाँ मत चिल्ला। मैं जा रहा होगा बात को। अरे मेरी बात तो सुन सफिया, ऐसा मत कर तू। ये देख सुनना, मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, दूर हटो। तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, तू मैं तेरे को बोलता। देखिए काम कर, अगर तेरे को इतना मेरे पे शक है ना, तो कल से मेरे शूटिंग पे आ। मैं कितने छोकरियों के हाथा पकड़ रहा, कितने हीरोइनों के कमरा पकड़ रहा, तू सब देख। अगर मैं कुछ ऐसा वैसा करा ना, तो मेरे को ताबड़तोब उधर ही पकड़। बोल मंजूरे आएंगे ना? चलना स्माइल करना, अभी थोड़ा करना। आसिफ आने से पहले अब मैं इसका एक बेडरूम सीन निकालने जा रहा हूँ। तुम तो बोल दिए तुम्हारे घर वाले सब नहीं करना। बात करते साहब, तुम खामोश बैठो। इसका जो किसिंग सीन में इन्वॉल्वमेंट देखा मैं, अरे मैं भी खो गया था और कट करना भूल गया। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट किसिंग सीन ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रिकॉर्ड हो गया। शाबाश शाबाश, इसके डेडिकेशन को देखते हुए मैं अगली फिल्म में इसको मेन हीरो प्रेजेंट करूंगा। और फिल्म का क्या टाइटल रहेगा पूछ? क्या रहेगा सर? लतखोर आशिक। अरे उस फिल्म के बाद तू जा भी जाएगा, लोग बोलेंगे वो देखो लतखोर आशिक जा रहा, वो देखो लतखोर आशिक जा रहा, वो देखो लतखोर आशिक जा रहा। तुम्हारे काम पहले समझ गई थी मैं, बहुत ही शूटिंग का शौक हो रहा। अरे कल इतना तमाशा करी सफिया, बसने हुआ तेरे को? इज्जत है यार मेरी, या तो खामोश बैठना। हमारे प्रोड्यूसर साहब, एक मिनट। आ रहा। हीरोइन से एक भी बार कुछ कुछ करे ना, हाथ भी लगाए ना, देखो फिर यहीं बुलाती भैया को औरंगाबाद से। मुंह में मुंह डालने का शॉट है, देखती देखती। हाँ देखती मैं, देखना चाह रही मैं। हाँ बोलो सर, रेडी अपन बोलो। इजाजत मिल गई साहब? मिल गई, परमिशन ले लिए, सब हो गया, कर दो। क्या था ये? अरे आज फाइट सीन है, एज ए डायरेक्टर बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। तुमको मालूम ना मेरी हर चीज रियलिस्टिक रहती, नो ड्रामा नो डुप्लीकेट्स, समझे? अरे ऐसे चुम्मा चपटी सीन को कैसे जल्दी राजी हो जाते मौत फ्रेशनर डाल लेके। वाई सी इसको भी राजी रहना, रियलिस्टिक करना। चलो मैं भी रियल मार के बताता हूँ। करो बौड़े हो गए क्या तुम? इसको नहीं मारता मैं, तुमको मारता। मेरे को मारते? बस तब हाथ उठाते, कैसा तरक्की करेंगे यार तुम? उस्ताद होता उस्ताद डायरेक्टर, समझे? बड़े बड़े सुपर स्टार डायरेक्टर के पैर छू के शॉट देते। खैर छोड़ो, अब सुनो, ये फिल्म का क्लाइमेक्स सीन है यानी कि फाइट, और तुमको ये दोनों लातों से घूसों से जैसा बोले वैसा मारेंगे, और तुमको सिर्फ मारा खाना है। ओह सुबह सुबह क्या पी के है तुम? ये छोकरे मेरे को मारेंगे? सुनो आज तक हम सबकी फोड़े, कोई हमको मारने वाला पैदा नहीं हुआ, समझे क्या? अरे भाई मेरे, तुम फिल्म के विलेन है यारो, तुमने तो कौन खाएंगे मारा? अरे लोग पिक्चर देख के क्या बोलेंगे, क्या सिर्फ बॉय पिक्चर बना है, दो लौंडे तुमको मार के चल दिए। कॉलोनी में इज्जत है मेरी, ये काम मत करो मेरे से तुम। यही तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा मियां, ये देखो तुम लोग यही ठहरो, मैं इनको और आगे लेके जाता हूँ। आओ ये देखो, तुम्हारा नाम क्या है? आसिफ। फिल्म में तुम्हारा नाम क्या है? राका। मारा राका खा रहा, आसिफ नहीं खा रहा। कॉलोनी में कोई अगर पूछे
तो बोल दो मारा मैं नहीं खाया राका खाया, सिंपल लॉजिक है यार। आओ शॉट रेडी आओ। बात तो सही है, मारा मैं का खा रहा, मारा तो राका खा रहा। हाँ करो रेडी करो। इन्हें बहुत टू मच कर दे रहा, हो सका तो तुम दोनों असल में भी इसको एक दो तीन रख दो, अगर मैं खुश हो गया तो दोनों का एक एक सीन बढ़ा देता हूँ। यही तो हम चाह रहे थे। ये पिक्चर तो पक्का फ्लॉप होने वाली है। कट 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 कट। अरे जल्दी आ जल्दी आ। सर सर सुनो सर, इकट बैठू, लेट पतुंदी, इधर से लगा शॉट। ओके सर। रेशमा मुझे माफ कर दो रेशमा, चंगू मंगू मेरे को मार डालेंगे। सोचो जब तुमने मेरी माँ को मारा तब तुमने सोचा? नहीं। जब तुमने पूरे गांव को आग लगा दी तब तुमने गांव वालों के बारे में सोचा? नहीं। जब भरे बाजार में तुमने मुझे थप्पड़ मारा तब तुमने सोचा? नहीं। आज मैं भी नहीं सोचूंगी। चंगू मंगू मारो इसको। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। रुको, ये मुझसे सच्चा प्यार करता है चंगू मंगू, मैं इसे माफ करती हूँ। राका राका काट काट काट। ओ शिट यार, कौन कट बोला, पूरे शॉट की वाट लगा दिया मेरी। अरे काई को कट बोले माँ। अरे तुम हटो जी, कहाँ है वो आदमी। अरे क्या हुआ सफिया, तू ऐसा क्यों कर रही है औरत? ये दिखाने लाई तुम मेरे को यहाँ पे? मैं क्या दिखाया, तू खुद चल के आये ना मेरे साथ में। मैं जा रही औरंगाबाद को। जा। देखो मैं जा रही। अरे तो जाना यार, किसको बोल रही जाना। अरे चले जा रहे हो। अरे 50 बार बोलियो कहीं जाने वाली नहीं है, यह रहती। चलो तुम टेक लगाओ, क्या करते करो चल। जब तक ये हीरोइनों की अम्मा आया, हीरो के भाव आया और ये विलनों के जुरवा सेट पे आएंगे, हमारे को तो ये झेलना ही चाहिए बाबा। और कुछ बाद में झेलो, मैं बोल रहा शॉट लगाओ चलो। आप क्या शॉट लगाएंगे, लाइट पूरी चले गई, पैक अप। वो पिक्चर का था करके मारा खाया मैंने, हकीकत में कितना बुरा बुरा मारता अच्छा मालूम है तुम लोग को। आसिफ जी, आसिफ जी, कल आपके साथ क्लाइमेक्स करके कितना मजा आया। आप बहुत अच्छे एक्टर है, बस फर्स्ट डे थोड़ा नर्वस हो गए थे ना। शुक्रिया पायल जी। ये पायल जी मत बोलिए ना। वो क्या है मिसिस का, कभी कभी थोड़ा माइंड खराब होते रहता है, वैसे अपने को फुल फ्रीडम है, कुछ भी कर सकता मैं यहाँ। एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, कल सेट पे मुलाकात होगी? अरे क्यों नहीं, जरूर, कल तो देखना है आपका चेहरा फिर से हमको। बाय। सर जी अब तो हो गया इनका काम, अब सीधा बेडरूम में प्रवेश। बौड़ा गया क्या तू, ऐसी वैसी छोकरी नहीं है वो, उसको हो गया है लॉ और अपने करने की दूसरी शादी। आमीन। गाड़ी निकाल। अब अपन लोग ये गाने का अंतरा करने जा रहे हैं और ये अंतरा आसिफ आने से पहले खत्म करना है। सलाम, क्या चढ़ा? वालेकुम सलाम, काम चल रहा? हाँ तो वही पूछ रहा, कौन सा सीन चढ़ा, आखिर हम भी प्रोड्यूसर है पिक्चर के, पैसा लगाए हुए, हमको भी मालूम हो ना क्या चढ़ा और क्या नहीं चढ़ा। सीन नहीं चल रहा, सॉन्ग चल रहा। वो बात ऐसी है, दो हीरोइन हीरोइन के साथ में स्विमिंग पूल में कूदने वाले हैं। है हाँ। बैठता मैं उधर, मेरा रहेगा जब बुलाओ। जैसे ही है अब मेरी हर बात का कनेक्शन, सबको रिजेक्ट करके किया तेरा ही सिलेक्शन। वादे निभाऊंगी मैं कुछ भी हो सिचुएशन, बस प्यार से है मतलब, क्या करना है पोजीशन। जान सर जी, मैं समझ गया तुम लोग क्या बोलना चाह रहे, ये गाना भी अपना राइट राइट अब भी आता मैं। हाँ सब फंटास्टिक है, ये अच्छे अच्छे गाने तुम मेरे से क्यों छुपा के रख रहे, ये गाना मेरे और हीरोनी के ऊपर पिक्चराइज होगा, अभी जाओ रक्षण बोलो जाओ। एक मिनट। अरे हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, ये गाना ये लोगों से अच्छा इनके ऊपर दिखता। हाँ हाँ तुम रेडी है? हाँ बिल्कुल। परमिशन ले लेना था किससे? आपकी अहलिया से।
आए तुम? खैरियत? वही बोल रहा मैं, अच्छा करे आए, ये भी अपना धंधा कारोबार है। तुम ध्यान रखो कौन कितना खर्चा कर रहा, नजर रखो। हाँ मैं भी उधर बैठ के देखता। हाँ बैठो, तुम चाय भेजू क्या? जाओ। अच्छा ने पीछे ना वाइफ की, उसकी बीवी को मैं बुलाया फोन करके, कहीं ने फिर गाने में तंग करेगा बल्कि। तुम लोग को बोला ना, मैं औरत आज तक सिकंदराबाद स्टेशन नहीं गई, औरंगाबाद कहाँ से जाएंगी? हेलो जी, सुन रही? क्या है बच्चा, क्या कर रहा, कहाँ है, कुछ खबर है तुमको? अरे कहीं भी फिरने दियो, कहीं भी मरने दियो, उसको तो मैं आख कर दिया, आख तू कर दिया। अरे सुनो जी, क्या हीरो लोग हीरोइन को कहीं देखे क्या? नहीं देखे भाई, यहाँ हमला स्क्रिप्ट देख रहे, डायलॉग सीख रहे यहाँ पे। अच्छा अच्छा है, पढ़ो भाई। अब भी डायरेक्टर साहब हीरोइन को कहीं कोने में ले जा रहे थे क्या? कोने? हाँ सर। एक अच्छी फिल्म बनाना लोहे के चने चबाने के बराबर है। सर मैं समझ गई सर। समझे मगर पूरा नहीं समझे तू। सर अक्सर हीरोइन की ट्यूनिंग हीरो से ज्यादा डायरेक्टर के साथ होना जरूरी है। yes. तभी तो शॉट में मजा आता है। Am I right, sir? You are absolutely right. पायल, अगर तुम्हारा यही कॉपरेशन रहा तो मेरी अगली फिल्म में मैं तुम्हारे को लीड हीरोइन बना के पेश करूंगा। अरे फिल्म का टाइटल भी सोच लिया मैं, गारत का गड़ा। यार 10 फिल्म डायरेक्टर, मेरी लास्ट फिल्म सुपर डुपर हिट। अरे कोयले को लेके बनाया जी फिल्म, हीरे के जैसी हिट हो गई। ओ सर आप ग्रेट हो, कैन आई हग यू? श्योर, आई वाज रेडी फॉर दिस। आ तू ट्यूब वाले, आज तेरा पैकअप करता मैं। आ चलो छोकरो, बोलो फटाफट, अभी कितने सीना बाकी है तुम्हारे? बोलो कितने? अरे अभी बहुत सीना बाकी है भाई हमारे। हा? और दो फाइट के सीना भी बचे हुए, फिर उसमें भी आप कुछ मारा खाना है। ए मुंगूस, मारू क्या एक झापड़ तेरे को? रिखा में बात कर रहा हूँ तू मेरे साथ में? जितने सीना है ना तुम लोग के, वो भी काट के फेंक डालता मैं। आना फिर घर को पेपरा लेने मेरे पास, जब बताता मैं। एक बात याद रखो, ये पिक्चर में सिर्फ फाइनेंसर है मैं, मेरे को मेरे 35 आना, नहीं तो तेरा घर भेज डालता मैं, समझाना बैल। मैं समझा लेता। ओ मोटू जल्दी देख के बोलो, बोला अभी कितने सीन बाकी है? किसके? आपके? पूरी पिक्चर के। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे हाँ तो मेरे दोस्त, जितनी भी पिक्चर बाकी है जल्द से जल्द खत्म करो, मेरे को अभी नाटक बस हो गया। 35 लाख का बजट बोले थे तुमने, 40 लाख तक आ गया मेरा बजट, मेरे को 2 दिन में पिक्चर खत्म मांगता बस। 2 दिन नहीं, अब तो फिल्म सिर्फ 1 दिन में कंप्लीट होगी। एक्शन। एक्शन। रेशमा, ओ हीरोइन से दूर रहो। मेरे दिमाग के गुस्से को मत देखो, मेरे दिल में जो बसा है वो प्यार को देखो तुम। 50x2 take 1। एक्शन। मैं ये फैसला नहीं ले पा रही हूँ, तुमको चाहूँ, तुमको या राधा को। रोलिंग। एक्शन। take 5। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक्शन। take 3। नहीं ये नहीं हो सकता। क्या फालतू डायरेक्टर, हर टेक ओके कर रहा। यार अच्छा हो सकता था। एक्शन। राका को मारने की बात कर रहे थे। ओले बने शोले, वॉल्स ऑफ फायर, शूटिंग कंप्लीटेड। कौन से सेट कहाँ लगा सर? एक काम कर, तू तेरे हिसाब से सेट कर, मैं जरा बाजू प्रोड्यूसर की डबिंग है स्टूडियो पे, जा क्या तू। सॉरी फॉर द लेट, रेडी? रेडी सर। नाश्ता वास्ता चेसनो का था? हाँ, है सर। हाँ उन्हें बहुत टाइम लेता, याद रखो। हमारे आसिफ साहब रेडी है आप? हाँ साहब रेडी रेडी। मोबाइल ऑफ कर लिए? वाइब्रेशन पे डाला, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन पे नहीं बाबा, स्विच ऑफ करो, ये स्टूडियो है रिकॉर्डिंग स्टूडियो, यहाँ पादे तो भी आवाज रिकॉर्ड होती। अपने को हर चीज टाइम पे आती। अच्छा टेक करेंगे? हाँ करो। एक बार मॉनिटर में देख लो सीन। अच्छा एक रेशमा, ये मेरे दिमाग का गुस्सा है। अरे आप देखो सीन में कितना अच्छा बोले, आप देखो कैसा एक्सप्रेशन है तुम्हारा। हाँ सेम होना मेरे को यहाँ पे, ये मेरा दिमाग का गुस्सा है। आप पहले लिप देखो, लिप मूवमेंट बहुत मुश्किल का काम है यार ये, वो मेरे दिमाग का गुस्सा। गुस्सा। स्टूडियो 4 दिन खाली है ना तेरा, इसकी डबिंग 4 दिन से पहले खत्म होने वाली नहीं है भाई। मैं बोल रहा था डबिंग दूसरों से करा लेंगे, आपको समझाता हूँ, 1 मिनट इधर आओ। क्या हो गया? अच्छा तो बोल रहा था मैं तुम्हारा डबिंग। तुम बैठो बैठो इधर।
देखो डबिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपन डबिंग आर्टिस्ट से डबिंग करा लेंगे जी। अरे एक घंटे के 1200 रुपए है स्टूडियो का किराया। 12 रहने दो, 15 रहने दो। हेलो साहब, पोस्टर बन गया। लियो आपकी पहली फिल्म का पहला पोस्टर, कैसा डिजाइन करूं बोलो? तूने बनाया ये? मैं नहीं, साहब बनाओ बोले। तुम क्या हमको क्या मुर्गी का बच्चा समझ रहे क्या? ये ऐसी फोटो डालते हमारी इधर? अरे पहली फिल्म है जी तुम्हारी, मुंडी आगे सो गनीमत समझो। प्रोड्यूसर है मैं, मार्केट में हमारा इज्जत है और तुम फालूदा कर रहे हो। भाई हेलो, तो सही सुन रहे क्या? ये देखो तुम्हारे भाई की इज्जत ये पोस्टर पे इन्होंने डाले, ऐसा दिख रहा हाथी के बाजू में चिमटी को डाले। हाँ अरे क्या खुद्दूस भाई, तरीका है आपका ये? भाई अगले महीने इलेक्शन में खड़ने वाले हैं, इन दोनों को कौन पहचानता जी? भाई की फोटो बड़ी रहना पोस्टर पे। लो यहाँ पे हम कैंपेनिंग कर रहे हैं और आप वहाँ पे मार्केट वहाँ में इनकी वैल्यू डाउन कर रहे हैं। अरे मेरे भाई ये इलेक्शन का पोस्टर नहीं, फिल्म का पोस्टर है। फिल्म का पोस्टर भी कैसा रहता हो हम आपको बताएंगे जल्द। अरे फहीम, पहले के जमाने में पिक्चर आते थे देख, आदमी सड़क का, खेल खिलाड़ी का, सोलो हीरो रहता था पोस्टर पे खाली। वैसी मैं इसको भी लेके एक सोलो हीरो फिल्म बनाऊंगा और पोस्टर पे इन्हें अकेला रहेगा खाली। पिक्चर का नाम क्या रहेगा भाई? बाल बैगन का। हाँ डायरेक्टर साहब, ये लो मियां, ये रही आपके फिल्म की हार्ड डिस्क और ये रही सेंसर कॉपी। अब यहाँ से मेरा काम खत्म। अब आप क्यूब करा लो, यूएफओ करा लो, कैसा रिलीज करते कर लो। रिलीज हमको कैसा करो बोल रहे तुम? हमको क्या मालूम कैसा रिलीज करना, ये तो डायरेक्टर का काम है ना। अरे डायरेक्टर का काम है प्रोड्यूसर की फिल्म बनाना, मैं आपकी फिल्म बना दिया। आप फिल्म एक काम करो ना भाई, अनिल टंडन साहब के पास जाओ, महिंद्रा फिल्म्स के, बड़ी बात से तोबा है, खुद्दूस ट्यूब वाला की फिल्म है बोले तो टेबल पे 1-2 कर देते उन्हें, बस खत्म। टेंशन कहीं का है यारो, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। साहब हमारी पिक्चर का नाम ओले बने शोले बॉल ऑफ फायर। एक्शन में 3 फाइट है, सॉन्ग में 3 गाने हैं सर। अच्छा। और ये पिक्चर में हमने रोमांस कॉमेडी हर वो चीज डाली है, एकदम कलरफुल बना है सर पिक्चर हमने। एक्टर भी नए है, डायरेक्टर भी नया है और आप फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्टर नया नहीं है सर, बहुत पिक्चर है उनके, लास्ट फिल्म उनकी टार्जन रिटर्न है, उसका हीरो भी नया था सर और अच्छी चली थी वो फिल्म भी। क्या कुंदन, कब आई ये पिक्चर? फ्लोप में आके गई अरिल भाई। हाँ बोलो तो रानी साहब, कहाँ चल रहे हैं साहब पिक्चर? पहले की बात नहीं रही, लास्ट में 2 पिक्चर गए देखो, सोनू का टूटू का सूटी बागी 2। आपके लिए पूरा निजाम रोक देंगे सरकार। हाँ ठीक है, हाँ बोलो सर। हम क्या साहब, ऑफर आप बोलना। ऑफर? कई का ऑफर? पिक्चर का, पिक्चर बनाया हमने 1 करोड़ की। हेलो हेलो आसिफ भाई, आज की तारीख में बड़े बड़े हीरो का भी पिक्चर टेबल पे नहीं बिकता। लेकिन हमारे डायरेक्टर ने तो बोला उसके नाम से बिक जाएंगी पिक्चर। एक काम करो, पहले स्क्रीनिंग लगाओ फिर पिक्चर देख के बात करेंगे। हाँ जाओ। रहम भी आता भी है लोगों के ऊपर। लाखों रुपए डाल के क्या की पिक्चर बना ले रहे। अब इस गांव में हम आ गए हैं, राका पर मौत बनकर नाचेंगे, अब यलगार होगा। मैं जानती थी तुम दोनों जरूर आओगे। चल रही थी मेरी सांसें जैसे रेट्रो, मेरे दिल की पटरियों में तू आई बनके मेट्रो। बचाओ 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 बचाओ, राका से कोई बच नहीं सकता। मैं ये फैसला नहीं ले पा रही हूँ, तुमको चाहू क्या रे, अंधेरी दिख रही फिल्म या राका को? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ राका। क्या डब्बा पिक्चर बनाया आसिफ भाई, पूरा टाइम वेस्ट करे हमारा। अरे यार अनिल साहब, हमने बहुत पैसा खर्चा करके पिक्चर बनाए, अब रिलीज तो करना पड़ेगा ना। पिक्चर नहीं चलती भाई, खाली पीली थिएटरों का रेंट भरना पड़ता। चलो जी चलो, फिल्म आपकी 35 तक बन जाती इसका कोई टेंशन नहीं है, मगर जरा बच्चे को जिम को जाओ बोलो, बॉडी वॉडी बनाओ बोलो, जरा डायलॉग का छोड़ दो, वो तो बड़ी बात से तो भाई, हम जो है डायलॉग आप पत्थरों से भी बुलवा लेते। अरे हमारा काम हमारा। वाह 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 वा, 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 बड़े आइए डेविड धवन, मेरे नाम से बिक जाएंगी पिक्चर।
फलाना इन ढिमका, अरे गाले दे रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर। साहेब हमारी पिक्चर हमारे कुछ अच्छी नहीं दिखी। फिल्म देखे तो ऐसा दिख रहा है वो शांता किस में आते हैं अंधेरे फिल्म, पोस्टेज नहीं है फिल्म में। और कितने की शॉटों में तो शूटिंग देख रहे सो लोग भी घुस गए फिल्म में। अरे ठहरो जी, तुम्हारी फिल्म बनाना है। चलिए चलिए, बहुत बड़े डायरेक्टर है। हमसे बात करो, एक बात तो हमारे खोपड़े में अच्छे से बैठ गई। इनको ना पिक्चर उच्चर काटना कुछ नहीं आता, ये इधर बैठ कर लोगों की कलर फोटो काटते। कलर फोटो सही बोले आसिफ भाई, मेरे को भी ऐसी दिख रहा। दीवाना हो गया क्या मियां, मस्करा बना है। बुद्धू ट्यूब वाला डायरेक्टर लास्ट फिल्म चिलगोजी को लेके टार्जन रिटर्न बनाया, सुपर डुपर हिट। समझे, मालूम हो गया हम लोगों को। वो तुम्हारा टार्जन लारियों में बसों में फुल भर भर के लेके आके आदमियों को थिएटर फुल करा के थे। आखिर वो फिल्म तो इससे भी गलीज थी। देख रहे, इन्हें खुद को बोल लिया कि ये फिल्म उससे अच्छी है। तो सोचो जब वो फिल्म बिजनेस करी तो ये फिल्म कितना बिजनेस करेंगी। और हमको बिजनेस मत सिखाओ, हमारा रिकवरी कैसा होगा ये बोलो जल्दी। अब तुम लोग आराम से बैठो, बात करेंगे, बैठो। डबल रोटी जब तक भट्टी में रही गर्म रहती, उसी तरह अपनी फिल्म भी अभी गर्म है। तुम लोग सिर्फ अभी पब्लिसिटी पे तवज्जो दो। होटलों पे, दीवारों पे, रोडों पे, पिशाब खानों पे, कचरा कुंडियों पे, जहाँ जगह मिली पोस्टर चिपका दो, फुल पब्लिसिटी करो। मेरा एक दोस्त है मिराज भाई बोलिए, उसकी एक थिएटर है मल्लपल्ली पे। अपन क्या करेंगे, फिल्म सिर्फ एक थिएटर में रिलीज करेंगे। फिल्म जल्दी हाउसफुल होती और कलेक्शन भी जल्दी आ जाता एक थिएटर में डाले तो। बड़ी बात से तोबा है, 3 दिन में कलेक्शन आ जाना। और अगर पिक्चर पिटी तो हम बैठे हुए ना डूबने देंगे तुम्हारे को। चलो मिराज भाई बोल रहे। ये देख अपना पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन पब्लिक क्यों नहीं दिख रही है? अंदर होंगी भाई, लेट तो हम हुआ है ना। हाँ चलो चलो, पार्किंग। काय का पार्किंग, हम प्रोड्यूसर है पिक्चर के, हमसे पैसे लेगा तू? आप कोई भी होंगे, पार्किंग के 30 रुपीज जो। इज्जत का फालूदा कर रहा है यार, 30 रुपए के वास्ते तू? जैसे कार पार्किंग का टिकट ले वैसे अपने 5 टिकट ले लो, ना तो ये भी पूछेगा। जाओ 5 बालकनी, ये लो सब टिकट। क्या बोल रही पब्लिक, पूरा हाउसफुल है। हाँ अब आएगा मजा। अब इस गांव में हम आ गए हैं, राका पर मौत बन करना चाहिए। ओले बने शोले। मैं जानती थी तुम दोनों जरूर आओगे। राका से कोई बच नहीं सकता। बर्बाद हो गए रे, बर्बाद हो गए। वो साले खुद तो उसको तो आज छोड़ने वाला नहीं है मैं, और तुम लोग कहाँ बाद में देखता मैं। हेलो आप कौन? मैं कौन? ऑफिस का ओनर। तुम कौन? खुद्दूस ट्यूब वाला किधर है? कहाँ है खुद्दूस ट्यूब वाला, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। 3 महीने से ऑफिस का किराया नहीं है, लाखों के टेलीफोनों के बिल है, सब यहाँ छोड़ के चले गया। कौन कौन की रोज यहाँ को मेरे को परेशान कर रही, उन्हें मिला तो पहले मेरे पास लेके आओ, मैं खुद बताता हूँ उसका। निकल गया तो बोरिया बिस्तरा लपट के। अरे सर सर सर, खुद सर ने तो ऑफिस खाली कर दिए सर, आप तो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है सर, एक चांस दीजिए सर। अरे ये देखिए बच्चन के साथ मेरी फोटो, और ये सलमान के साथ, और ये अक्षय के साथ। ये एल्बम ले, अंदर डाल ले। नहीं लगता रे, नहीं लगता। टिक 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 टिक। हाय हाय, आई एम मोहम्मद नईम, फिल्म क्रेडिट्स। आज मैं बात करूंगा ओले बने शोले की। ओले बने शोले की सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म को देखने कोई नहीं आया सिवाय मेरे। ट्यूब वाले ने इस फिल्म में 2 नए लड़कों को लॉन्च किया है। हीरोइन बॉम्बे से बुलाई गई है, और प्रोड्यूसर आसिफ ही विलन राका का रोल किए हैं। आसिफ के अंदर इतने एक्टिंग के जरासीम है, अफसोस उनके अंदर एक्टिंग ही कम है। ये ओले बने शोले बनाकर जो ट्यूब वाले ने हम सबको हौला बनाया है, उसे देता हूँ मैं 0 स्टार, 0 स्टार। तुमको कितना बोली मैं, मत जाओ पिछलों के चक्रों में। कहा सुनो तुम मेरी बात, तुम्हारे को तो बहुत शौक था ना हीरोइन के साथ नाचने का, हो गया क्या सब करके? 35 लाख का तो चूना लगाए। हाँ मेरे जेवरा भी अलमारी में से निकाल के बेच के खा गए। अब तक तो सिर्फ बोरी थी मैं अम्मी के यहाँ जाऊंगी बोल के, लेकिन अब जा रही मैं हमेशा के लिए अम्मी के पास। अरे चिल्ला मत ना औरत,
चिल्लाने से क्या पैसे वापस आएंगे क्या? सोचने दे मेरे को। ऐसा तुम यहाँ सोचते बैठो, मैं जा रही। भरोसा नहीं आदमी का, कल को घर भी बेच के खाएंगा ये। ये खाली बैग काई को लेके फिर रहा तू? क्या है इसके अंदर बचा हुआ? अरे आप ही तो बोले ना, वो खुद उसवा ट्यूब वाला, उसको खाली बैग दिखाना है। उसके दाल अच्छा सिगरेट छोड़ डाला था मैंने। तुम लोग इतना ताप दिए ना मेरे को, देख फिर से सिलगा। तुम लोग क्या करते करो, कैसा करते करो, लेकिन मेरे पैसे मेरे को मांगते हैं। तेरे पेपरा तो है मेरे यहां, और अगर कम पड़े ना तू ये चाकू तेरे पीठ में मार के तेरा गुर्दा निकाल के बेच डालूंगा। अच्छा खासा बैठे थे यहां, आए लोग के चक्कर में पिक्चर बनाएंगे, बन गई पिक्चर। जाओ जाओ। अरे मजा नहीं आएगा सर, नवाज इससे पहले ऐसे रोल कई बार कर चुका है, और फिर पब्लिक उसको बार बार सेम रोल में कैसे देखेगी सर? फॉर द सेक ऑफ चेंज आई रियली वॉन्ट टू गो फॉर डिफरेंट मूवी सर, थोड़ा सा मैं हटके फिल्म बनाने चाहता हूँ। ये बात तो आप दिमाग से कम्प्लीटली निकाल दीजिए, किसी आर्ट फिल्म में गरम सीन डालने से वो आर्ट सिनेमा चल जाएगा। मैं इरफान से बात कर लूंगा सर। अरे सर इरफान को लेना है या नवाज को लेना है वो बाद में डिसाइड कर सकते हैं। देखो फिलहाल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, एक छोटी सी फिल्म लिख रहा हूँ, 3 महीने के बाद आऊंगा, मेरे डेट्स ब्लॉक कर लीजिए। पॉपकॉर्न खाया कभी? जानता है कैसे बनता है? गरम कढ़ाई में डाल के जब मकई के दाने को रेत में गरम गरम भुना जाता है तो बहुत आवाज करता है, जानता है कहे कहा है कि उसके फट जाती है। कमीना साला, क्या किस फिल्म बना के हाथ में डीवीडी दे दिया रे भाई। अरे लेके कहीं को आ रहे भाई, तू मनुष्य फिल्म को? अरे सिकंदराबाद में और कौन से तो भी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे रे भाई। अरे कौन देखेंगे अरे गलीस फिल्म को, इधर ला इसकी ऐसी की तैसी। रे खुद्दूस, चल रे भाई चल। कहाँ लेके जा रहा? अरे कहीं भी चले आएंगे रे भाई, यहाँ से तो चल। सर वेलकम सर। लगेज गाड़ी में। ओके सर। ये तुम्हारा? नहीं सर हमारा नहीं है। नहीं तो हमारा है। ठीक है सर ओके। लगेज रख दिया सर। अंडा नूडल लाने का। ओले बने शोले। अब इस गांव में हम आ गए हैं, राका पर मौत बन करना चाहेंगे। अब यलगार होगा। मैं जानती थी तुम दोनों जरूर आओगे। बचाओ 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 बचाओ। फिर तुमने गांव में आग क्यों लगाई? वो मेरे दिमाग का गुस्सा था रेशमा, दिमाग का। अरे मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। फैंटास्टिक। स्क्रिप्ट 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 स्क्रिप्ट। अरे हटा स्क्रिप्ट को, ये तो रेडीमेड माल है। क्या आसिफ भाई पिक्चर बनाएगा थे, हमारे को भी याद करना था, हम भी अच्छी अदाकारी कर लेते, आखिर हम भी कलाकार है, चलती हमारे को नहीं लिए तो। ये देख बन गई पिक्चर। क्या आसिफ भाई पिक्चर बनाएगा थे? क्या पिक्चर बनाया था जरा बोलना तो सही था, जाके पूरे दोस्तों हस्तों के साथ आगे पिक्चर देखते थे ना यार, जरा कोई अच्छे एक्टर एक्टर बॉलीवुड वॉलीवुड के लेके चलते तो मजा आता था। ओ बाबू क्या है बड़े बड़े शौखा कई को, फिल्म बना रहे थे, परसों बाबा मिलके बहुत आउट ले रहे थे, दुकान में जाके बाबा का हाथ बटाओ, ये चबूतरों में बैठना छोड़ो। आवारो ऐसा बोले फिल्म आ रही बोल के, ये साल आती तुम लोगों की पिक्चर। अरे आई भी गई भी रहे भाई, मालूम ही नहीं पड़ा। ऐसो गई सो
क्या हीरो लोग सब मजे में ना? पिक्चर देखी तुम्हारी मैंने, क्या एक्टिंग कर दियो, फाड़ दियो तुम, वाह। कहाँ देखे बड़े भाई, कौन सी थिएटर में? टीवी पे। बस कर दो बड़े भाई, अरे इनू भी दीवाना बनाने आया वैसा दिख रहा है मेरे को। अनुराज केचप का नाम सुना है क्या? नहीं, पहली बार सुन रहा हूँ। बम्बई का बड़ा डायरेक्टर है भाई, टिपिकल फिल्म बनाता हूँ मैं ये। हाँ हाँ कर, चुगल कर, ढूंढ रहे सर। सर तुम लोग के लटके हुए थोपड़े देखे ना मैंने, तभी मैं समझ गया था तुम लोग की कलर फोटो किसी ने उतारी है, और वो भी मजबूत। एक चोर डायरेक्टर था सर, खुद दूस ट्यूब वाला बोल के फिल्म बनाता हूँ बोल के ओला बना दिया सर। सर मैं मेरे घर के पेपर आसे प्रोड्यूसर के पास गिरवी रखा गया, फिल्म में पैसा लगाया सर मैं। ऐसे चाहिए ना, तो मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो। वो आसिफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, क्या नाम उसका, खुद्दूस ट्यूब वाला, हाँ वो दोनों मेरे को इधर चाहिए। प्रोड्यूसर साहब खुद हमारे पीछे कुत्ते के सर का पड़े हुए सर, लेकिन डायरेक्टर खुद्दूस आब्सकांडिंग है सर। आब्सकांडिंग मतलब गायब, लेकिन क्यों? उनुज के से नफर हमारी कलर फोटो, तो उनुज को इधर को लाने का बंदोबस्त मेरा, ठीक है? तुम वो आसिफ प्रोड्यूसर को फोन लगाओ अभी। हेलो आसिफ भाई, ये गाड़ी खास तुम्हारे वास्ते लियो मैं। हाँ वैसे तो मैं नए नंबर नहीं उठा रहा हूँ, मगर ये बम्बई का नंबर दिख रहा, क्या बोलते उठा लूं? उठा लो सर। अला मैं आई टॉक टू मिस्टर सर खुद्दूस सर। तुम कौन? सर मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। बोलिए, मैं खुद्दूस ट्यूब वाला बोल रहा हूँ। सर एक्चुअली मुझे आपसे एक फिल्म बनवानी है। मैं आपका फैन हूँ सर, आपकी सारी फिल्में मैंने देखी हैं। मिस्टर बॉन्ड, एक डॉन, टार्ज़न रिटर्न्स, और मेरे दिल के करीब है सर आपकी वो फिल्म कसम पैदा करके छोड़ने वाले की। मेरा आखिरी फैन दिख रहा, मेरे साथ फिल्म बनाता कहते। आपकी टैलेंट को पहचान लिया होगा सर। बजट कितना है? 50 लाख सर। आप हैदराबाद में है बम्बई में है? सर वैसे मैं बॉम्बे में ही रहता हूँ, लेकिन हैदराबाद आया हूँ आपकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। अच्छा, वैसे तो मेरे को शाम तक बहुत मीटिंग्स है, फिर भी एक काम करता हूँ मैं आपसे टाइम निकाल लेके मिल ले, तो एक काम करिए आप जरा अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दो मेरे को। श्योर सर, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब बकरे खुद आके मेरे पास जुबा होना चाह रही, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम लोगों को एक बात बताऊं, तुम्हारी पिक्चर में सबसे बड़ा एक्टर कौन है? कौन है सर? कौन है सर? तुम्हारा डायरेक्टर खुद्दूस ट्यूब वाला। अच्छा करे जो तुमने उसको यहाँ बुलाए, आंदो वाला देखता मैं कैसा बचता हूँ मेरे हाथ से देखता आज। अबे ओ, तेरा 50 ग्राम गुस्सा ठंडा रख, वरना वो 35 लाख का इन्वेस्टमेंट भी घुस जाएगा और ऊपर से आने वाला प्रॉफिट भी घुस जाएगा, समझा? साइलेंस, कम इन। ओ अनुराज केचप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वाह, एक बड़ा डायरेक्टर ही दूसरे बड़े डायरेक्टर की कदर जानता है। बोलिए सर, मैं किस तरह आपकी खिदमत कर सकता हूँ? अस्सलाम वालेकुम। ओ गेम, अस्सलाम वालेकुम। ओ डबल गेम, हाँ काय का डबल गेम, गेम तो तुमने करे हमारे साथ, हमारे पूरे पैसे छीन लिया। अरे आदमी 40 लाख का चुना लगाया मेरे को, मेरे पूरा पिक्चर का वाटोला कर डाला इसने, आदमी को मैं छोड़ने वाला नहीं। तुम आज बीच में नहीं बोल रहा मैं, तुम्हारी फिल्म की रिकवरी करनी है तुम्हें या नहीं? आपकी स्कीम क्या है केचप साहब? तुमने जैसे इनके कलर फोटो उतारी है ना, अब मैं तुम्हारी उतारने वाला। मैं समझा नहीं। यानी के तुम्हारी फिल्म है ओले बने शोले, वो अब मेरी, यानी के डायरेक्टेड बाय अनुराज केचप। वो फिल्म लेके क्या करते, वो तो डब्बे में चली गई, तुम्हारी तरफ से गई, पूरा कैरियर पिंडे में मिला दिया तुम मेरा, घर के पेपर आज रहा मैं, क्या क्या देख रहा जी फिल्म के वास्ते मैं, ऐसे कैसे बुलाते? अरे हौले लौंडो, मैं तो तुम्हारी फिल्म अच्छी बना रहा था, मगर तुम्हारे प्रोड्यूसर को इतना लंबा कीड़ा था एक्टिंग का, गाने में पहुंच जा रहा, फाइटिंग में पहुंच जा रहा, अरे हद तो ये है, मैं हीरोइन के साथ सेपरेट लंच कर रहा हूं, वहां भी पहुंच गया। अरे तेरे, अरे बस करो यार, बस करो, मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए, 2 दिन। क्या करेंगे तुम 2 दिन में? एक काम करो, हमारा 35 लाख 40 लाख जो भी खर्चा हुआ हमको दो, और तुम ये पिक्चर लेके जाओ। छोटा आदमी छोटी बात करेगा, ये देख, ये देख 50 लाख का रोकड़ा चेक, ये ले ठुस मुंह में ठुस। 3 महीने के बाद का चेक दे रहे तुम, एड़े समझे क्या? क्योंकि पहले काम फिर दाम। लेकिन आपकी जो स्कीम है ना सरकार, वो हमारे दिमाग में चढ़ रही है ना, कलर फोटो। हाँ, फिल्म का नाम कलर फोटो, एक्शन। कितने झूठे बात कर रहे तुम,
खुद्दुस ट्यूब वाला, मेरे नाम से बिक जाएंगी पिक्चर, मेरा थिएटर है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, मेरा फलाना है, ढिमका है, ऐसा एड़े कितने लोग को बनाए तुम, कितने लोग के कलर फोटो उठा रहे तुमने, और वो तुम्हारी टीम, वो क्या लिखी डायलॉग इसने, और वो कौन तुम, ये दो छोकरे, तुम लोग के भांगड़ों में आया मैं, और कहा है वो कैमरा मैन हो अन्ना, नमस्ते, हमारा एक्टिंग अच्छा नहीं है, हाँ तुम्हारा तेलुगु भी सीखेंगे हम, और ये मोटू ऐसा मार रहा क्लैप, टॉप टॉप थपड़ा मार रहा, ऐसा लग रहा मुंह पे हमारे। Oh, hey, good morning, boys. Hey, come on everyone, wake up. I need everyone in action. ये क्या है साइलेंस की वजह, मुझे एनर्जी चाहिए सेट पे, come on everyone. Okay, this is the center. Hey, चल पीछे। एके? कैमरा? 6K, 4K, 8K. देख मत, तुम लोग के इधर नहीं आया ये। हमारे खुद्दुस मियां, आप इतने अच्छे एक्टर होने के बावजूद कैमरा के पीछे खड़े रहते, अच्छा नहीं लगता। एक्टर ही बनने आया था साहब, मजबूरी डायरेक्टर बना डाली। हाँ आसिफ मियां, अरे आप अपनी बंदूक पकड़ के ये पीछे दो नए हीरो हैं, उनके पीछे खड़े रहना। हेलो बाबा, मैं पिक्चर का मेन विलेन है ये, और तुम मेरे पीछे ठहरने को बोल रहे। ए, ओल्ड मुंबई से लेके नवी मुंबई तक जितने भी भाई लोग थे ना, सबको टरकाया मैंने, फिल्म भी बना डाली थी, अब तो एडिट में कटेगा या सीन में। सुन लो ना, तो पैसे वापस भूल जाओ। साले तुम लोग के भांगड़ों में आके मैंने मेरे 2 महीने वेस्ट करा और पैसे भी। साहब 2 महीने करे ना, और 2 दिन कर लो ना प्लीज। एक्शन। यहाँ पर हुई हमारी पिक्चर कंप्लीट, और अब देखना ये पिक्चर जाएगी सारी दुनिया भर के फेस्टिवल्स में, फ्रांस, कांस, इटली, जापान, दुबई, और खास करके ऑस्कर। फिल्मी कीड़ा बड़ा ही खतरनाक कीड़ा होता है, स्मार्टफोन आने के बाद ये कीड़ा हर किसी को काटने लगा, मुंबई में ही नहीं हैदराबाद में भी। किसी को फिल्म में एक्टिंग करने का शौक है तो किसी को फिल्म बनाने का, ये फिल्म इसी सिनेमा की दीवानगी पर आधारित है। फिल्म मेकिंग बोले तो लोहे के चने चबाना, और एक अच्छी फिल्म वही डायरेक्टर बना सकता जो ये लोहे के चने चबाना जानता। चलो ए, हाँ मेरा नाम मिर्जा आसिफ बेग, हमारे पापा ने क्या करे हमको एक अच्छा बिजनेस डाल के दिया, हम वो कर रहे थे, हमारा अच्छा रियल एस्टेट, हमारा जो भी हमारा किराने की दुकान की थी दादा की, वो भी अच्छी चल रही थी। ऐसा कैसे ऐसे काली जैसे आदमी को लेके पिक्चर बनाया और इतना बड़ा हिट मारा, तो तब मैं बोला बिजनेस भी अपना पैसा भी आएगा और अपना शौक भी पूरा हो जाएगा करके मैंने इस पिक्चर में अपना पैसा थोड़ा लगाया। अब दिल हो गई है मेरी तो सारी लाइफ, जब से किया है तूने दिल के बरस पे साइन। मेरी थोड़ा वाइफ थोड़ा हॉट है, हाँ माइंड से थोड़ा हॉट है, गर्म है। इन्हें साइकिल को टिफिन लगा लेके इनके बाबा की टेलर की दुकान के रास्ते को जाता था, तो मैं इसको बीच में जब पलटा लेके सीधा फिल्म के रास्ते को ले जाता था। राका को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पहले पकड़ लिया जाए। अरे गाड़ी के जैसी कुले के हीरो बना के फिल्म बना आजी मई, सब लोग बोले अरे गई फिल्म, मगर फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर। टेक 3। आ नहीं, ये नहीं हो सकता। इन्हें पहले एक दुबले को लाया, एक मोटे को लाया, एक काले को लाया, पान के मेरो क्या साहब, किसको भी लाओ, पैसों से मेरे गरज। बाद में साहब एक आसिफ साहब को लाया साहब, ये पहलवान कहते हैं उन्हें, एक शॉट को 100 रीटेक दिए। ने बहुत देखे पिक्चर ठहर के, थिएटरों में जाके देखते थे, इंट्रोल से आठ आने में पिक्चर देखते थे हम तो। अमरीश पुरी को देख के हमको बहुत अच्छा लगता था, नाना पाटेकर साहब को देख के अच्छा लगता था। अब देखो यहाँ के लोगों को एक सीन देते ऐसे सिंगा निकाल लेते अपने में से, बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझता हूँ इसके बाद अपने आप को। साहब काम का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा साहब, ये फिल्म में गाने साहब इमोशनल, साहब इमोशनल के टाइम पे रोना आता था साहब, किलाबा मार मार को हाथ तक छाले पड़ गए साहब। నేను కార్ వాళ్ళ కిరాయికి దేనికి ఒక తరఫు కెమెరాకు పోయినట్టు సార్, కుద్దూస్ సార్ అక్కడ కలిసింది సార్, నాకు శివ నువ్వు ఏం చేస్తావు అని అడిగింది సార్ నాకు. నేను సార్ నేను పెళ్ళి వీడియోగ్రఫీ చేస్తా అని చెప్పిన సార్, నేను ఒక సినిమా తీసుకున్నా సినిమాలో నువ్వు వస్తావా అని చెప్పి అడిగింది సార్. బాలీవుడ్ టేట్ షో సౌత్ 15 పద్మాలయ రామానాయుడు
इससे पहले मैंने दो सीरियल्स किए हैं, सास बनी डायन और बहू बनी चुड़ैल, और अब ये मेरी पहली फिल्म है। जिसे ही है अब मेरी हर बात का कनेक्शन। एक्टिंग बोले तो स्कूल में जब भी फंक्शन होते थे, स्टेज पे प्रोग्राम तो पहले अपन पार्ट लेते थे उसमें। उसके बाद बाबा काम पे लगा दिए उनकी टेलर की दुकान में, वहाँ पे भी काम छोड़ के हम फिल्म में चले आते थे। एक प्रोड्यूसर तो ऐसा मिला, सेवन स्टार होटल में बुलाया मेरे को। बुला के बोला आप बजट की फिक्र ही नको करो खुद्दुस भाई, फिल्म वैसी बनना चाहिए वैसी बनना चाहिए। अच्छा हीरोइन को नहीं लाए साथ में? हाँ भाई, बोला साहब मैं डायरेक्टर हूँ ब्रोकर नहीं। कुछ नाम रखा उसने ओले बने शोले, मेरे को टाइटल अच्छा नहीं लगा पहले, बाल ऑफ फायर कुछ डाला उसने। तो ये सब किसका कमाल है मालूम? डायरेक्टर का। देखा, इनमें से किसी भी फिल्म में तुमको स्टार वैल्यू नजर आ रहा? सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ए गैंग सब वसेपुर के बाद बनाए वो। वैसे किसी भी फिल्म के सक्सेस के लिए ना स्टार का होना जरूरी नहीं है, ग्लैमर का होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन लेकिन ऑडियंस की पल्स मालूम होना बहुत जरूरी है। अनुराग सर। ओ मिस्टर रवि रमन। नमस्कार। हाय सर। हाय सर। क्या सॉलिड पिक्चर बनाई। थैंक यू सर। अनुराग। हाँ जी। 20 खोके में क्लोज कर दे ऑलरेडी। अरे अरे आज पर क्या हुआ? डील। इस वक्त सुर्खियों में अनुराग केचप की 8 फिल्म कलर फिल्म है, जो लगातार 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है। Ketchup's latest movie, Color Photo, is in the news for its natural flavor in the line of art cinema. After bagging 2 international awards, the film is set for release in theaters on August 24th. The film Color Photo is only my experiment, made with a very low budget. अच्छा बेटा, तो तुम हमारी कलर फोटो उतार दिए हैं? वैसे तो मेरा रिव्यू को देखते नहीं है, मैं अपने जेब के पैसों से रिव्यू बनाता हूँ। आज मैं जो फिल्म का रिव्यू देने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर कोई देखे। उस फिल्म का नाम है कलर फोटो, डायरेक्टेड बाय अनुराग केचप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच। जो फिल्म कल फ्लॉप हुई थी, उसी फिल्म को केचप ने अपना रंग डालकर सुपर हिट कर दिया। केचप और कलर फोटो फिल्म को मैं सलाम करता हूँ, देता हूँ रेटिंग के तौर पर 5 स्टार। सुन रहे, अब तक तो सिर्फ फिल्मा देखता था, अब तो फिल्मों में काम भी कर रहा करते। अरे जान दो ना जी, जो करता है करने दो ना। अपने पास ये सब नहीं चलता। कहाँ से आ रहा है तू? जेरॉक्स कराने गया था जम्मा। ये क्या कर रहा? कुछ भी नहीं। क्या हुआ? क्लीमारी का देना तुम्हारी कलर फोटो। ओफो, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या बात है केचप साहब, तुम्हारा शुक्रिया कैसा बोलना हमारे समझ में आ रहा नहीं। अरे अरे प्लीज, बहुत बड़ा काम तुमने हमारा करके दिए। वो क्या था, मैंने मेरी औरत का सोना रखा के फिल्म में पैसा लगाया था, अगर वो आता नहीं था ना तो फिर ये लोग का तो मैं। आप कई का टेंशन यारो, आ गए ना 50। अरे वो ये थे करके आया, नहीं तो तुमने तो खींच डाले थे हमारी कलर फोटो अच्छे से। अरे काय को खाली पीले लड़ रहे आपस में अभी? देखो किसी सीनियर डायरेक्टर ने कहा है, मतलब मेरे से भी सीनियर डायरेक्टर ने कहा है कि पिक्चर पैसे से नहीं बनती, पिक्चर दिल से बनती है, दिल से। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग का होना बहुत जरूरी है। करेक्ट। देखो कोई आदमी अगर अपनी जेब से 100 रुपया भी खर्च करके आता है ना थिएटर में, तो पता है तुमको पीछे कितने टेंशन वो छोड़ के आता है? किसी को फैमिली का टेंशन, किसी को बिजनेस का टेंशन, किसी को घर के स्कूल के फीस का टेंशन, किसी को बैंकिंग का टेंशन, और इतने टेंशन वो छोड़ के थिएटर में आता है, पिक्चर देखता है, तो अपना फर्ज क्या बनता है? उसको 100% एंटरटेनमेंट देना। सही बोल रहे हैं। तो याद रखना, आइंदा से किसी की भी कलर फोटो खींचने का नहीं। बड़ी बात से तोबा है, अब अगली फिल्म मेरी रहेंगी कलरफुल फिल्म। मेरा फेस कर शाइन, जब से हो गई तू माइन, चढ़ा तेरे
अच्छा